हेलो माय डियर स्टूडेंट्स अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू हेलो सुधांशु बंदना ओम प्रकाश अविनाश प्रीतम प्राची अगर सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार मुझे यस या हम सब भेज दीजिए फिर हम आज की मजेदार क्लास को शुरू करते हैं गुड आफ्टरनून प्रांजल अर्शिता प्रीतम नामबेलाय लोपा चलिए तो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता देती हूँ कि हम यहाँ पर देख रहे हैं वन शॉट और अभी तक हमने बॉटनी के अंदर डियर स्टूडेंट्स इनफैक्ट ये बॉटनी का आज लास्ट चैप्टर लेने वाले हैं अपन अपन इसके बाद शुरू करेंगे यानी ने लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम मॉर्फोलॉजी एनाटमी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ सेल साइकिल सेल डिविजन और प्लांट फिजियोलॉजी के चार चैप्टर्स ये सारे चैप्टर्स आपको इसी चैनल की प्ले में मिल जाएंगे चलिए आइए तो सबसे पहले क्लास शुरू करने के पहले हम सबसे पहले आशीर्वाद लेते हैं हम इस आशीर्वाद को इसको लेने की परंपरा को जारी रखेंगे तो लगाते हैं अपना नारा बोलिए मेरे साथ बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो हेलो हेलो फातिमा आई एम गुड थैंक यू माय डियर शिवा आप टाइम सेवर के स्टूडेंट थे आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है आइए स्टूडेंट्स आज हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं बॉटनी के अंदर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इस चैप्टर से स्टूडेंट्स बड़ा घबराते हैं क्योंकि इतने सारे हार्मोन्स उनके इतने सारे फंक्शंस सारी दिमाग में खिचड़ी पक जाती है आज मैं आपको सारे हार्मोन्स वन वन सेंटेंस की ट्रिक से याद कराऊंगी और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा ये मेरा आपसे वादा है पर आपको फुल कंसंट्रेशन देना है क्लास में फटाफट पड़ से फटाफट पड़ से सब लोग अपनी एनसीआरटी ओपन कर लीजिए क्योंकि काफी सारी चीजें आज मैं आपको एनसीआरटी में मार्क करवाऊंगी एक बार एनसीआरटी ओपन करिए हम सब पढ़ेंगे डोंट वरी थैंक यू थैंक यू शिवा थैंक यू थैंक यू सुधांशु गॉड ब्लेस यू डियर गुड आफ्टरनून प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ के मजे आ गए सनी कह रहा है चलो बहुत बढ़िया आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दिस थैंक यू सारे वन शॉट देख लिए तीन दिन में अमित मजे आए बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स आप लोग चाहें तो जो पीडब्ल्यू uh, डब्ल्यू का यकीन ड्रॉपर चैनल है यूट्यूब पर नया चैनल उस पर पॉडकास्ट के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो वहां पे पूरी जोलॉजी और करीब सेवन बॉटी के चैप्टर्स भी मैं लेने वाली हूँ राइट ठीक है और क्वेश्चन नहीं करने हैं बस इतना सफिशियंट जितना आप कर रहे हैं हेलो अजीत पांचाल चलिए आइए निकाल ली सबने एनसीआरटी करे शुरू करे शुरू चलो आ जाओ अब सबसे पहले इस चैप्टर के नाम में दो शब्द है ध्यान से सुनिएगा एनसीआरटी ओपन रखिएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बीच में यानी और मतलब ये दोनों अलग अलग शब्द हैं ग्रोथ क्या होती है ग्रोथ, जानते हैं, students. ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि मैं living world पढ़ा चुकी हूं. ग्रोथ मतलब इंक्रीज चाहे सेल का नंबर बढ़ रहा है कहो या सेल का साइज बढ़ रहा है उसे हमने ग्रोथ कहा था पर केवल सेल का नंबर साइज बढ़ने से काम नहीं चलेगा उन्हें स्पेशलाइज होना पड़ेगा यानी डिफ्रेंशिएट होना पड़ेगा तो माय डियर स्टूडेंट्स जब ग्रोथ और डिफरेंसिएशन दोनों होगा तब हम कहेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है तो ग्रोथ प्लस डिफ्रेंसिएशन इज इक्वल टू डेवलपमेंट ठीक है पहले ये चैप्टर नहीं किया है कोई बात नहीं मनीष फुल कंसंट्रेशन से सुनो आपको सब समझ में आ जाएगा अब मुझे बताओ ये जो डेवलपमेंट हो रहा है कि कब कौन सा सेल डिवाइड करेगा कब कौन सा सेल स्पेशलाइज होगा ये यू ए वही कोई भी कुछ होता रहे या प्रिसाइज रेगुलेटेड होना चाहिए ऑब्वियसली प्रिसाइज एंड रेगुलेटेड मार्क करो सब एनसीआरटी में अपनी प्रिसाइज एंड हाईली ऑर्डर्ड वे में होगा अब हमारी ग्रोथ को हमारे डेवलपमेंट को कौन अफेक्ट करता है आप कहोगे मैम एक तो एनवायरमेंट अफेक्ट करता है जो बाहर से हमें हवा खाना पानी मिल रहा है और एक इंटरनल जो हमारे हॉर्मोन्स हैं हमारे जीन्स हैं तो पेड़ों में भी वही एप्लीकेबल है यानी पेड़ों में भी इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक दोनों फैक्टर्स हैं बोथ ओनली इंट्रेंसिक ओनली एक्सट्रेंसिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा जो इसे मैनेज करेंगे ठीक है अब आगे बढ़ते हैं यानी हम ये बोल सकते हैं कि जब भी बॉडी बननी है जैसे रूट लीव ब्रांचेस फ्लावर फ्रूट सीड और फाइनली वो मरेंगे तो पहला स्टेप क्या है इनके जीवन का हमने तो बीज बोया है वो बीज में से अंकुर फूटना रेडिकल प्लिन्यूल निकलना यानी जर्मिनेशन ऑफ द सीड इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट अब अगर बाहर अनुकूल परिस्थिति है फेवरेबल कंडीशन ये सब मैं पहले पढ़ा चुकी हूं किसी ना किसी चैप्टर में इसीलिए मैं इतना मस्ती से पढ़ा रही हूं अभी सब पढ़ेंगे लिख लिख के बोर्ड पे फिकर मत करो आप लोग बस मेरे साथ बने रहो ये चैप्टर टिप्स पे करा दूंगी ट्रस्ट मी हैव हाँ फेथ इन मी जर्मिनेट अगर फेवरेबल कंडीशन है तो, तो सीड जर्मिनेट कर जाएगी अंकुर फूटेगा लेकिन अगर सीड अनफेवरेबल कंडीशन है एबसेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशन तो हमने पढ़ा है कि सीड डॉर्मेंसी में चली जाएगी और फिर जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होगी तो वापस से मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिज्यूम होगी ये मैं आपको समझा चुकी हूँ अच्छे से कि जब अनफेवरेबल कंडीशन है सीड अपना पानी लॉस करती है डिहाइड्रेशन होता है डॉमेंसी में चली जाती है एंजाइम्स काम नहीं करेंगे मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाती है और फेवरेबल कंडीशन आने पर वापस रिज्यूम हो जाएगी ठीक है प्रणव नैतिक श्रेया पांचाल सबको समझ में आ रहा है चलिए मार्क कर रहे हो सब लोग मेरे साथ साथ यस या नो लिख के भेजो चल आगे बढ़ते हैं अब ये एनसीआरटी में डायग्राम बना हुआ है ये मिट्टी का सरफेस है यहां हमने सीड डाला सीड में से सीड में कॉटिलिडन होगा एपिकोटाइल होगा हाइपोकोटाइल होगा मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगी नाउ ये देखो एपिकोटाइल ऊपर निकल गया जमीन के हाइपोकोटाइल नीचे है हाइपोकोटाइल से रूट्स बन रही है क्योंकि यहाँ रेडिकल होगा और एपिकोटाइल से शूट बनेगी यानी स्टेम ब्रांचेस लीव्स बनेंगी कॉटरिडन कुछ समय तक रहेंगे फिर कंज्यूम हो जाएंगे ठीक है प्रियांशु श्रेया आकांक्षा मधु हामिद अर्चिता हेज वेरी गुड सब मार्क कर रहे हो नैतिक बहुत बढ़िया चल अब ग्रोथ क्या है देखो ये तो हम एनसीआरटी में मार्क कर लेते हैं कि ग्रोथ हमारा फंडामेंटल कैरेक्टर है बताओ मुझे चैट बॉक्स में लिखकर भेजो यस एंड नो में ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है या नहीं लिविंग का कम ऑन आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स अब ग्रोथ का मतलब हमें पता है देखो ग्रोथ लिविंग में भी होती है नॉन लिविंग में भी होती है लेकिन नॉन लिविंग में एक्सट्रेंसिक ग्रोथ पढ़ाई थी और लिविंग में इंट्रेंसिक ग्रोथ नॉन लिविंग में टेम्पररी ग्रोथ है एक रेत का टीला बड़ा हुआ रेत उड़ गई फिर से छोटा हो गया पर हमारे में इिवर्सिबल इंक्रीज है इसे वो रिवर्सिबल या टेम्पर कर देंगे तो गलत हो जाएगा बहुत बढ़िया इट इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर क्योंकि सारे लिविंग में होती है पर नॉन लिविंग में भी होती है बहुत 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 बढ़िया वेरी गुड नाउ इसमें ग्रोथ कब कहोगे या तो एक सेल बढ़े या टिश्यू बढ़े या ऑर्गन बढ़े या पूरा ऑर्गन सिस्टम बढ़े सबको ग्रोथ ही कहेंगे अब ग्रोथ जब भी होगी तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस होंगे जिससे एटीपी बने तभी ग्रोथ हो सकती है जैसे एक पत्ती इतनी थी इतनी हो गई एक्सपैंड हो गई उसकी ग्रोथ हो गई ठीक है तो ये तो सब कुछ बहुत ईजी है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है चलो आगे बढ़े अब प्लांट की ग्रोथ कैसी है ये मैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में भी पढ़ा चुकी हूँ लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़ा चुकी हूँ पेड़ जिंदगी भर ग्रो करते हैं क्योंकि उनकी शूट और रूट टिप पर शूट अपाइकल रूट अपाइकल मेरिस्टेम है यानी पेड़ की ओपन ग्रोथ है और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है अनलिमिटेड ग्रोथ है ये सब हम ऑलरेडी जानते हैं बट लोकलाइज्ड ग्रोथ है क्योंकि सर्टेन लोकेशन पर ही मेरे स्टेम प्रेजेंट है और जहां मेरे स्टेम है वहीं से लंबाई बढ़ सकती है वहीं से ब्रांचिंग हो सकती है और कहीं से नहीं तो ये मैं ऑलरेडी एनाटमी में और लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा चुकी हूँ कि प्लांट्स की ओपन ग्रोथ है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है अनलिमिटेड ग्रोथ है और लोकलाइज ग्रोथ है ठीक है ये सबको क्लियर है नए नए सेल्स लगातार एड हो रहे हैं इसीलिए अनलिमिटेड ग्रोथ कह रहे हैं ठीक है थीके? चलो आगे बढ़ जाते हैं लोकलाइज ग्रोथ की बात हमने करी ली है पेड़ों में लोकलाइज्ड है एनिमल्स में डिफ्यूज है पेड़ों में लोकलाइज है क्योंकि पर्टिकुलर जगह पर ही मेरिस्टेम प्रेजेंट है अब ये भी मैं पढ़ा चुकी हूं भर भर के एनाटॉमी में दो तरह की ग्रोथ होगी प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी क्या पढ़ाई थी आपको लंबाई बढ़ना सेकेंडरी क्या पढ़ाई थी चौड़ाई बढ़ना गर्द इंक्रीज होना याद आ रहा है सबको सेकेंडरी ग्रोथ हमने पढ़ी थी मोनोकॉर्ड्स में नहीं होती यानी डाइकॉड्स में और जिम्नोस्पर्म्स में होती है और इनकी भी रूट एंड स्टेम में होती है लीफ में कभी नहीं होती इवन इनकी भी लीव्स में नहीं होती है प्राइमरी ग्रोथ के लिए दो मेरिस्टेम जिम्मेदार थी एक अपाइकल यानी रूट अपाइकल शूट अपाइकल और इवन इंटर कैलरी मेरिस्टेम भी हमने पढ़ी थी सबको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूं मैं और सेकेंडरी ग्रोथ जो है उसमें कैम्बियम लेटरल कैम्बियम लेटरल इन्वॉल्व थी में याद एक लेटर कैम्बियम बनी थी वस्कुलर कैम्बियम कैसे बनी थी इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर मेरिस्टम से मिलके और एक कॉक कैम्बियम बनी थी जो आउटर कॉर्टेक्स के सेल्स के डिडिफ्रेंसिएशन से बनी थी याद आ रहा है ये पूरी सेकेंडरी थी

एनसीआर टी ने डायग्राम दिया इसमें कौन सी बड़ी तोप है भाई यहाँ टिप पे शूट पाइकल मेरिस्टेम है यहाँ टिप पे रूट मेरिस्टेम है यानी ये हिस्सा रूट है ये हिस्सा शूट है और यहाँ साइड में यानी बनी है शूट पाइकल मेरिस्टेम मैंने सिखाया था नीचे सेल बढ़ाता जाएगा तो ऊपर लंबी होती जाएगी रूट पाइकल मेरिस्टेम ऐसे सेल बनाता जाएगा तो रूट नीचे लंबी होती जाएगी और वस्कुलर कैम्बियम अंदर बाहर अंदर बाहर दोनों तरफ सेल्स कट करता है याद है अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनता है बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोयम बनता है सबको याद आ रहा है अच्छे से मुझे एक बार बता दो मधु मंथन आकाश अमित नंबेलाय हामिद ठीक है सिमरन कह रही है आई येस्टरडे कंप्लीटेड ऑल चलो आपको चारों फिजियोलॉजी के समझ आ गए बहुत बढ़िया दर्शिल राजीव रचना जेना अजीत सुमन पौर्णिमा मानसी सब याद आ रहा है शिफा नंदिनी बहुत बढ़िया वेरी गुड चलो अब क्या ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं अब इसको समझो भाई अल्टीमेटली सेल ग्रो कर रहा है उसके कारण टिश्यू ग्रो कर रहा है टिश्यू के कारण ऑर्गन ग्रो कर रहा है और पेड़ों में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता ये हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा है पर एक्चुअली सेल ग्रोथ का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स सेल के अंदर का लिविंग मैटर प्रोटोप्लाज्म ग्रो कर रहा है यानी जब हम सेल लेवल पे बात करते हैं ग्रोथ की तो एक्चुअली हम इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं अब मैं प्रोटोप्लाज्म थोड़ी ना मेजर कर सकती हूँ कितना बढ़ा तो मैं क्या करूँ बहुत आसान है एक पत्ती है मुझे पता करना है इसमें कितनी ग्रोथ हुई है उसका सरफेस एरिया देख लो कितना बड़ा है या एक पोलन ट्यूब है मुझे देखना है कितनी ग्रोथ हुई उसकी लंबाई देख लो या एक स्टेम है उसका फ्रेश वेट देख लो भाई एक जनवरी को दो किलो का था अब चार किलो का हो गया यानी दो किलो बढ़ोतरी हो गई है या पानी निकाल के ड्राई वेट देख लो यानी मैं डायरेक्ट प्रोटोप्लाज्म प्रो को तो नहीं मेजर कर सकती पर मैं क्या क्या मेजर कर सकती हूँ फ्रेश वेट कितना इंक्रीज हुआ ड्राई वेट कितना इंक्रीज हुआ लेंथ कितनी इंक्रीज हुई सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हुआ या वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ और या नंबर ऑफ से नंबर या साइज ऑफ सेल कितना बढ़ा तो सेल का नंबर सेल का साइज फ्रेश वेट ड्राई वेट लेंथ सरफेस एरिया वॉल्यूम इनमें कितनी बढ़ोतरी हुई उससे मैं ग्रोथ पता कर सकती हूँ ऑक्जेनोमीटर यस ऑक्सिन मतलब ही ग्रोथ होता है उसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ठीक है अब इस बात को समझो जैसे लेंथ के लिए एनसीआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है पोलन ट्यूब ट्यूब है लंबी है तो लंबाई से पता करते हैं कितनी लंबी है सरफेस एरिया में डायकॉट की लीफ का एग्जाम्पल दिया है यानी डॉर्सी वेंट्रल लीफ का एग्जाम्पल दिया हुआ है नाउ सेल नंबर में मस्टर्ड सरसों का एग्जाम्पल दिया है और सेल साइज में तरबूज मेलन का एग्जाम्पल दिया है ये चार में दिए हैं आइए देखते तरबूज के लिए क्या दिया हुआ है कि वाटरमेलन का सेल साढ़े तीन लाख गुना साइज में बढ़ जाता है जबकि मक्के में, में, में जो रूट है ये मेज है सॉरी स्टूडेंट में गलती से लिख गई नॉट मस्टर्ड इट इज मेज मेज जो है मक्के में जो रूट अपाइकल मेरिस्टेम है मतलब रूट का एक सिंगल सेल वो एक घंटे में साढ़े सत्रह हजार सेल बना देता है माइटोसिस से तो पोलन ट्यूब का एग्जाम्पल लंबाई का हो गया पत्ती का सरफेस एरिया हो गया और ये दोनों हो गए अब इन्हें याद करने की ट्रिक याद करने की ट्रिक सूरज ठीक है यासू चलो लिखो सब लोग लिखो इसे याद करेंगे अपन देखो मेज है एम तो इससे नंबर पता कर रहे हैं एन एम एन और इसे याद करो वेस्ट यानी वाटरमेलन में साइज पता करते इतना याद आ गया ना तो याद हो जाएगा कि साइज साढ़े तीन लाख गुना बढ़ रहा है और नंबर साढ़े सत्रह हजार पर आवर ये तक याद होना चाहिए इसको अच्छे से नोट करो मार्क करो एन में प्रॉपरली मार्क करो ये एंड में भी रिवाइज करना है अगर उल्टा दे देंगे तो गलती हो जाएगी ठीक है अल्ताफ वेरी गुड वेलकम तो एम एन और वेस्ट ये तो साइज और नंबर हो गया और साइज तरबूज में एक सेल का साढ़े तीन लाख गुना बढ़ता है और नंबर साढ़े सत्रह हजार से ज्यादा एक घंटे में पर आवर दिस इज इंपॉर्टेंट अभी बात करेंगे इक्कीस लाख नीट एस्परियंस पे फिक्र मत करो अभी तो पढ़ लो मैं बता दूंगी इसका क्या असर आने वाला है इस लाइफ के एंड में थैंक यू सोनू आई एम गुड लेट हो गए आप सबने मार्क करे ये दोनों ट्रिक्स ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है चलो अब ग्रोथ मेजर होती है ऑक्सैनोमीटर से ऑक्सीजन का मतलब ही होता है ग्रोथ मीटर मतलब वो इंस्ट्रूमेंट चलिए अब फेजेस ऑफ ग्रोथ भी मैं भर भर के पढ़ा चुकी हूं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जब मैंने रूट बताया था ठीक है देखिए सबसे पहले था मेरिस्टमैटिक जोन मेरिस्टेम में डिवीजन होता था सेल्स का तो सेल्स छोटे थे खूब प्रोटोप्लाज्म था डेंस न्यूक्लियस था ये सबको याद आ रहा है प्राइमरी वॉल थी याद आ रहा है सबको इसके प्रॉक्सिमल इलोंगेशन जोन था इसमें वैक्यूल बना था सेल का साइज बड़ा हो गया था सेल लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिविजन था जब तुषार लंबा हो गया था और फिर जब तुषार मैच्योर हो गया था यानी मैचुरेशन जोन या डिफ्रेंसिएशन जोन था यहां पे रूट हेयर थे अगर आपको याद हो यहीं से पूरा मैच्योर टिश्यू बनता था सबको याद आ रहा है मैं सब पढ़ा चुकी हूँ इसी कोर्स में इसीलिए फटाफट फटाफट ले रही हूँ फिर आगे भी तसली से आपको हॉर्मोन फोटोपीरियोडिज्म सब कुछ पढ़ाने वाली हो यस मैचुरेशन जोन तुषार की मूछे आ गई थी कुशाग्र की तो मेरिस्टमैटिक जोन था उसके बाद इलोंगेशन जोन था और उसके बाद में मैचुरेशन जोन था दास कह रहा है मैम न्यू टी शर्ट एक्चुअली <laughs> टी शर्ट तो पुरानी है मेरी बनकर नहीं आई थी तो मैं दूसरी टी शर्ट पहन रही थी वैसे ई टूज और पीडब्ल्यू की जो कंबाइंड टी शर्ट है वो यही वाली टी शर्ट है ठीक है चलिए सो तो, ये देखो एनसीईआरटी में डायग्राम बनाए बड़ा आसान है भाई ये इतना था अब ये इतना हो गया तो ग्रोथ कितनी हो गई इतना तो था ही यहां तक इतनी सारी ये ग्रोथ हो गई ये ग्रोथ डिपेक्ट कर रहा है कितना ईजी है इट इज सो ईजी अब आ जाओ रजिस्टर निकाल लो भाई अपने अब निकाल लो कॉपी ओपन करो थैंक यू शिवा थैंक यू आ न्यू वर्जन मक्खन मारो चलो <laughs> गुड आफ्टरनून सत्येंद्र लेट हो गए आप स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाइए स्टूडेंट स्टेटमेंट वाइज बहुत सारे क्वेश्चन में कॉम्पिटिशन वाला पे महा रिविजन सीरीज में करवा रही हूँ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस पूरा मैं वहां पे रिविजन करवा चुकी हूँ क्वेश्चन के थ्रू वो उस पर मिल जाएगा वीडियो आपको करीब एक सवा घंटे का है वो टू पे करके फटाफट सुन सकते हो और ट्यूजडे को कॉम्पिटिशन वाला पे लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ाऊंगी और थर्सडे को बायोमोलिक्यूल्स ठीक है पक्का आना राजीव सिलेक्शन के बाद मिलने आऊंगा पक्का आना पक्का बहुत खुशी होती है आप लोग आते हो चलो अब ग्रोथ रेट का क्या मतलब है हार्ट रेट मतलब एक मिनट में यानी पर यूनिट टाइम कितनी बार दिल धड़कता है रेस्पिरेटरी रेट मतलब पर पर मिनट यूनिट टाइम में कितनी बार ब्रीदिंग करते हैं तो ग्रोथ रेट मतलब पर यूनिट टाइम में कितनी ग्रोथ होती है लिखो सब इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम ठीक है अब दो तरह की ग्रोथ होगी आ जाओ समझते हैं अपन एक स्लाइड लगाते हैं बनाइए मेरे साथ बीच में मैं लाइन खींच देती हूं दो तरह की समझो मान लो ये एक सेल है, ठीक है ये डिवाइड हुआ डिवाइड होके दो बना दिए ये भी डिवाइड हुआ इसने दो बना दिए ये भी डिवाइड हुआ इसने दो बना दिए अब चारों डिवाइड होंगे तो आठ बन जाएंगे ठीक है एक एक से दो दो से चार चार से आठ एक से दो दो से चार चार से आठ आठ से सोलह एंड ऑन सो बहुत तेजी से बढ़ रहा है यानी इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो क्या रहा है यहां पे? एक से दो जब बने यानी दो डॉटर सेल दोनों फिर डिवाइड कर रहे हैं यानी बोथ डॉटर सेल्स बोथ डॉटर सेल्स रिटेन प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिविजन सेल डिविजन की प्रॉपर्टी दोनों में मौजूद है फिर उन दो से जो दो बने उनमें भी मौजूद है सब में मौजूद है बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है अब दूसरी तरफ क्या हुआ समझो सपोज करो ये एक मेरिस्टमैटिक सेल है इससे दो डॉटर सेल बने एक डॉटर सेल ने तो बोला कि मैं तो आगे डिवाइड करूंगी पर दूसरे ने बोला मैं तो परमानेंट बनूंगा मैं स्पेशलाइज हो गया यानी इसने सेल साइकिल एग्जिट कर दिए जी जीरो में चला गया ठीक है यानी अब इससे तो दो बने पर ये ऐसा का ऐसा है अब ये जो दो बने इसने भी बोला मैं तो डिवाइड करूंगी पर इसने कहा मैं परमानेंट हो जाऊंगा यानी अब एक दो और ये ऐसे के ऐसे आ रहे हैं तीन चार यानी यहां अगर आप देखो तो एक से दो, दो से तीन तीन से चार ऐसा बन रहा है धीरे धीरे हो रही है इसे एरिदमैटिक ग्रोथ बोलते हैं एरिदिटिक ग्रोथ एरिदमैटिक ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि दो डॉटर सेल में से एक ही आगे डिवाइड कर रहा है दूसरा लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिविजन वो जी जीरो में जा रहा है सो ओनली वन डॉटर सेल डिवाइड फर्दर डिवाइड फर्दर अदर differentiate, डू नॉट डिवाइड इसलिए ठीक है अब इनका ग्राफ बना के देखते हैं मैं अगले पेज पे बनाती हूं फिर आपके मैसेज आते हैं कि मैम पढ़ाती तो अच्छा है पर मैम की राइटिंग बड़ी बुरी है मैडम बोर्ड पे सारी खिचड़ी पका देती है एक्चुअली पता है क्यों मैसा ऐसा, ऐसा क्यों हो जाता है मुझे ना शुरू से आदत है एक पेज पे पूरा टॉपिक कवर करने की तो वो बड़ा अच्छा होता है फाइनल रिविजन के लिए तो मेरी वो आदत पड़ी हुई है कि मैं एक जगह पर पूरा सारा कुछ पढ़ लेती हूँ क्योंकि पढ़ा हुआ तो है मुझे तो रिविजन करना है तो मुझे सब समझ में आ जाता है पर कोई बात नहीं है मैं आपकी बात बिल्कुल मानूंगी ठीक है मैं एक और स्लाइड लगा देती हूँ चलो तो मैं ज्योमेट्रिक और एरिथमेटिक में अब ग्राफ्स बना के देखते हैं अपन बहुत आसान है स्टूडेंट्स सपोज ये ग्राफ बनाया यहां मैं टाइम लिखती हूं और यहां मान लो मैंने लंबाई लिख दी सपोज मैं स्टेम की लंबाई देख रही हूं पोलन ट्यूब की लंबाई देख रही हूं कुछ भी इधर पे भी सपोज ये टाइम है और इधर मैं लंबाई भी लिख सकती थी पर चलो मैं एनसीआरटी वाली बात लिख देती हूं तो लेट्स से मैं साइज uh, uh, देख रही हूँ वेट देख रही हूं कितना बढ़ रहा है वेट मान लो वेट देख रही हूं वेट ऑफ ऑर्गन जो भी ऑर्गन है उसका वजन कितना बढ़ रहा है अब देखो समझो बहुत आसान है इसमें तो क्या होगा ज्योमेट्रिक में एक से दो दो से चार चार से आठ मतलब बहुत तेजी से ऐसी ग्रोथ होगी यानी लीनियर करवाएगा लीनियर करवाएगा पर इसमें धीरे धीरे ग्रोथ होगी पहले लैग फिर थोड़ा सा तेज होगा लॉग लेकिन जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो ये डेक्सिलेशन ये हम इकोलॉजी में भी पढ़ते हैं और फाइनली स्टेबल स्टेबल बोलो या इसको आप ए सिंप बोलो इक्वली ब्रियम बोलो कुछ भी बोल दो ठीक है अब इसको अगर आप देखोगे तो एल टी इज इक्वल टू यानी आफ्टर टाइम टी कितना वजन है सॉरी एनसीआर ने इसे W1 लिखा है तो मैं भी वही लिख देती हूं यानी फाइनल वेट या फाइनल साइज इज इक्वल टू डब्ल्यू जीरो इनिशियल इन टू ई टू दावर आर टी एक्सपोरेंशियल होता है आर कितनी ग्रोथ हुई है वो होता है सो so, ये इनिशियल साइज है मान लो दो किलो वजन था मैं फाइनल साइज निकालना चाहती हूँ ये फाइनल साइज निकालूंगी मैं तो फाइनल साइज इज इक्वल टू इनिशियल साइज इन टू द पावर आर टी ठीक है पर यहां पे क्या होगा एल टी इज इक्वल टू एल जीरो प्लस आर टी यानी फाइनल लंबाई इज इक्वल टू इनिशियल लंबाई प्लस आर टी ठीक है चलो तो एक बार इस चीज को हम यहां पे देख लेते हैं एरिथमेटिक मैं अरे नहीं नहीं मैं पूरा उल्टा लिख गई यार आई रिटर्न ऑल उल्टा वन सेकेंड वही सोच रही हूं ये क्या हो रहा है ये सीधा जा रहा है ना तो यहां पे मैं लेंथ वाला एग्जाम्पल ही दे देती हूँ जैसा एनसीआरटी ने दिया है मैं एनसीआरटी का ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ यहां लेंथ आप वजन भी ले सकते हो कोई ऐसी बात नहीं है कुछ भी ले सकते हैं तो एल टी इज इक्वल टू एल जीरो प्लस आर टी इसका मतलब समझो बहुत आसान मतलब है मान लो एक जनवरी को आप लिखना मत दस सेंटीमीटर लंबा था और एवरी डे दो सेंटीमीटर बढ़ता है यानी ये इसकी ग्रोथ रेट है मैं आपसे पूछ रही हूं कि चार जनवरी को कितनी लंबाई होगी तो आप क्या कहोगे मैम एक दिन में दो सेंटीमीटर है तो चार दिन में चार इंटू दो एट सेंटीमीटर यानी ये टाइम है चार दिन का फोर डेज का तो इसे मल्टीप्लाई करोगे आर और टी को फोर टू या एट और पहले इनिशियली दस सेंटीमीटर था उसमें एड कर दोगे तो दस प्लस टू इन टू फोर एट यानी एटीन सेंटीमीटर निकाल दोगे तो वही तो कर रहे हैं एल टी इज इक्वल टू एल जीरो आसान चल अब यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा यहां पर भी हम एनसीआरटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं वेट वाला वेट साइज साइज या वेट यहां फॉर्मूला बन जाएगा W1 वन फाइनल इज इक्वल टू डब्ल्यू जीरो इन टू टू दावर आर टी यानी यहां लीनियर कर्व है लीनियर लेकिन यहां पे सिग्मोइड या एस कर्व है अब पेड़ों में कौन सी ग्रोथ होती है उसको हमें समझना है देखो ध्यान से समझो जब नया नया एम्ब्रियो है जाइगोट उससे टू सेल फोर सेल एट सेल जल्दी जल्दी बनाना है तो इनिशियली ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है पर बाकी पूरी जिंदगी एरिथमेटिक ग्रोथ होती है आया समझ ज्योमेट्रिक एंड इज इट वेरी वेरी क्लियर डोर स्टूडेंट हाँ गलत उल्टा लिख दिया ना अपन ने क्या हो रहा है भाई आज ये एरिथमेटिक है दिस इज एरिथमेटिक धीरे 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 एंड दिस इज जोमेट्रिक एकदम बढ़ेगा लेकिन फिर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो स्टेबल हो जाएगा ठीक है चलो क्लियर हो गया तो एरिथमेटिक में धीरे 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 बढ़ता जाएगा एल टीज इक्वल टू एल जीरो प्लस आर टी और ज्योमेट्रिक में एकदम बढ़ेगा खटाक से पर अदर फैक्टर्स लिमिटेड हैं, खाना पीना जमीन जगह तो ये स्टेबल हो जाएगा इस लॉग फेज को एक्सपोनेंशियल फेज भी बोल सकते हैं इतना क्लियर हो गया चलिए सो so, ये हो गया एरिथमेटिक, इसकी ये हो गया लीनियर हो गया ये सारा कुछ हो गया आर इज इक्वल टू ग्रोथ रेट लिख लेना स्टूडेंट्स आर इज इक्वल टू ग्रोथ रेट यानी इलोंगेशन कितनी लंबाई बढ़ रही है पर यूनिट टाइम पर डे पर आवर जो भी आप निकाल रहे हो और कितनी टाइम बाद की ग्रोथ देखनी है, उसे टाइम से मल्टीप्लाई करें चलो अब यहां पर ये देखो ये हो गया एरिथमेटिक ग्रोथ सीधी सीधी और ये हो गई ज्योमेट्रिक ग्रोथ में तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में भी आर ग्रोथ रेट है ये पता ही है ये बेस ऑफ नेचुरल लॉग होता है ये तो हमें मालूम ही है बेस ऑफ नेचुरल लॉग तो ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया ठीक है लैग एक्सपोनेंशियल लॉग फिर डिक्सिलेशन आता है फिर स्टेशनरी फेज आता है स्टेडी या स्टेशनरी बेस ऑफ नेचुरल लॉग ये भी लिख लो यहीं पर याद रहेगा ई बेस ऑफ नेचुरल लॉग चलिए अब कौन सी ग्रोथ कहां होती है वो मैंने आपको समझा दिया शुरू शुरू में अर्ली एम्ब्रियो में ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है अर्ली एम्ब्रियो में बैक्टीरिया वगैरह में भी यही होती है अर्ली एम्ब्रियो में जड़ाधर दड़ाधर धड़ाधड़ धड़ाधड़ और शूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम में पूरी जिंदगी ऐसे धीरे 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 ग्रोथ होती है चल आ जाओ देखते हैं अपन। ये सारा हो गया अपना, ये देखो ये देखो एनसीआरटी का डायग्राम कितना आसान है एक एक से दो दो से चार चार से आठ आठ से सोलह ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ है और यहां देखो एक इससे दो बने ये आगे डिवाइड करेगा ये स्पेशलाइज हो गया फिर इससे दो बने ये आगे डिवाइड करेगा ये स्पेशलाइज हो गया यानी एक से दो दो से तीन तीन से चार चार से पांच धीरे 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 लीनियर लाइन सीधा 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 बन रहा है नाउ यहां देखो एनसीआरटी का डायग्राम निकालो सब लोग निकालो एवरीबडी देखिए जायगोट में डिविजन हुआ दो सेल बने दो से चार ये देखो चार से फिर ये आठ बन गए ये अभी जल्दी जल्दी डिविजन होना है ये जियोमेट्रिक ग्रोथ है इसमें सारे सेल डिवाइड कर रहे हैं एक से दो, दोनों करेंगे दो से चार चारों करेंगे और एरिदमेटिक इसके बाद होगी पूरी जिंदगी एरिदमेटिक होगी जिसमें कुछ सेल्स डिवाइड करते हैं आधे और आधे डिवाइड नहीं करते हैं ठीक है क्लियर हो गया अच्छे से एरिदमेटिक ग्रोथ ज्योमेट्रिक ग्रोथ दोनों के ग्राफ्स फटाफट पढ़ से स्क्रीनशॉट ले लो किसी को कोई भी डाउट है तो ये देख लो भाई ये क्लियर रखना एरिथमेटिक में धीरे धीरे होगी ज्योमेट्रिक में तेजी से होगी देखो एक बार सब लोग क्लियर करो अच्छे से फिर आगे बढ़ते हैं स्टोरी बढ़ाते हैं आगे अपन वेरी गुड वेरी गुड चलिए हिंदी मीडियम को नहीं अमित इंग्लिश में पढ़ाती हूं मैं तो अगर आप टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की समझ सकते हो तो बात में ऐसे ही करती हूं जैसे मैं हिंदी में कर रही हूं बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से पढ़ते हैं और आराम से कंफर्टेबल होते हैं हाँ प्योर हिंदी बैच में मैं नहीं लेती हूं ठीक है चलो अब आ जाओ अपन एप्सल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ क्या होती है वो पढ़ते हैं चलिए आइए एपसुल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ आ जाओ लिखो एप्सुल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ इस इसपे क्वेश्चन आते हैं और ये बड़ा आसान है रिलेटिव ग्रोथ रेट या ग्रोथ कुछ भी लिख ग्रोथ लिख देते हैं चल ग्रोथ देखो समझो मान लो एक इंसान है जिसकी पांच हजार रुपये तनख्वा है यानी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया पांच हजार तनख्वा इंक्रीमेंट का टाइम आया उसके बॉस ने उसकी तनख्वाह दस हजार कर दी यानी मान लो एक हफ्ते में वन वीक में ये टेन सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई मतलब पांच हजार से सैलरी सीधे दस हजार हो गई नाउ एक और इंसान है उसकी भी सैलरी पांच हजार है यानी सरफेस एरिया फाइव मीटर इन अच्छा नहीं नहीं इसकी पचास हजार है पचास हजार बॉस है यह इसका पचास हजार इंक्रीमेंट का टाइम आया इसकी सैलरी पचपन हजार कर दी फिफ्टी फाइव थाउजेंड वही एक हफ्ते में अब समझो अगर मैं आपसे पूछूं कि दो इंसानों की टोटल पैसा कितना बढ़ा तो आप कहोगे मैं पांच हजार वाले को दस हजार मिल रहे हैं पांच हजार एक्स्ट्रा मिल रहे हैं और पचास हजार वाले को पचपन हजार मिल रहे हैं इसको भी पांच हजार एक्स्ट्रा मिल रहे हैं यानी एब्सल्यूट ग्रोथ जो है वो सेम है दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल सरफेस एरिया हो चाहे लेंथ हो वेट हो साइज हो कुछ भी हो तो इसकी भी कितनी है पांच सेंटीमीटर स्क्वायर पर वीक हर हफ्ते पांच हजार बढ़ रही है और इसकी भी कितनी है फिफ्टी फाइव में से फिफ्टी यानी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर पर वीक यानी सेम है एब्सोल्यूट ग्रोथ जो है पर मैं आपसे पूछूं बताओ मैनेजमेंट कंपनी किससे ज्यादा खुश है तो आप कहोगे मैम इसकी बॉस की तो पचास हजार से केवल पचपन हजार करिए यानी दस परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है और इसकी तो पांच हजार से दस हजार कर दी डबल हंड्रेड परसेंट सैलरी बढ़ा दी है मैंने क्या कहा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल भाई कितना परसेंट बढ़ोतरी हुई मैं ये देखना चाह रही हूं कितना परसेंट तो यहां पर टेन माइनस फाइव अपॉन फाइव हंड्रेड परसेंट हुई है और यहाँ पे फिफ्टी फाइव माइनस फिफ्टी अपॉन फिफ्टी यानी टेन परसेंट हुई है इसकी सैलरी केवल दस परसेंट बढ़ी है पचपन हुई है और इसकी सैलरी डबल हो गई हंड्रेड परसेंट बढ़ी है, है। यानी इस केस में एप्सल्यूट ग्रोथ दोनों में बराबर हुई है दोनों के पांच पांच हजार रुपए ज्यादा आएंगे हर महीने पर रिलेटिव ग्रोथ रेट इसकी मोर देन B. A more than B. आ रहा है समझ में अच्छे से समझ में आ गया राहुल प्रीतम अभिषेक चिट चैटिंग मत करो पढ़ाई करो लाइव क्लास में ये सब मत सोचो आप चलो कौन कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग नहीं आ रहे दूसरे पे थोड़ी अपना कंट्रोल है अपन तो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं इक्कीस लाख का क्या होगा मैं बता दूंगी लाइफ के एंड में ठीक है दारशिल आप कभी जयपुर पढ़ाने में जयपुर ही थी कोटा के पहले मैं जयपुर में ही थी चलो हो गया एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्लियर ऑल क्लियर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आएंगे तो चलो आगे आ जाओ ये देखो एनसीआर का पांच से दस और फिफ्टी से फिफ्टी फाइव हमने ऑलरेडी कर लिया अब आ जाओ एनसीआरटी ओपन करो एन ओपन करो सब लोग वापस से एक भी शब्द नहीं तो छोड़ना है हमें चलिए कंडीशंस क्या है ग्रोथ के लिए भाई वही कंडीशन है जो हमारी ग्रोथ के लिए हमको क्या चाहिए पानी इनको भी चाहिए खाना इनको भी चाहिए हवा ऑक्सीजन इनको भी चाहिए लाइट इनको भी चाहिए बहुत गर्मी बहुत सर्दी नहीं होनी चाहिए इनके साथ भी वही चीज़ है सब कुछ सेम है सब कुछ सेम है नई विराट जहाँ पे हो अभी वहीं से पढ़ो चलो तो सबसे पहली कंडीशन पानी माफ करो पानी क्यों चाहिए क्योंकि जब सेल ग्रो करता है तो वैक्यूल में पानी तो भरता है जो टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है तभी तो ग्रोथ होती है और दूसरा पानी को ही तो एंजाइम्स यूज करते हैं मीडियम की तरह ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर के अंदर ठीक है चलो ना दूसरे नंबर पे चाहिए खाना इन्हें भी चाहिए खाना मतलब कुछ ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं असेंशियल एलिमेंट्स यानी मैक्रो कुछ कम में माइक्रो खाना क्यों चाहिए ताकि उसे तोड़े ऑक्सीडेशन करें रेस्पिरेशन करें और एनर्जी मिले ठीक है यानी प्रोटोप्लाज्म बनाए एनर्जी बनाए और प्रोटोप्लाज्म सब कुछ बनाए तीसरा हमें भी हवा चाहिए ऑक्सीजन क्यों चाहिए ताकि एरोबिक रेस्पिरेशन हो ताकि एटीपी मिले एक्टिविटीज के लिए कितना आसान तो है देखो वॉटर न्यूट्रिय ऑक्सीजन नाउ इन्हें लाइट भी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए टेम्परेचर ऑप्टिमम चाहिए अगर बहुत गर्मी हुई तो भी प्रॉब्लम है बहुत सर्दी हुई तो भी प्रॉब्लम है हमारी तरह यानी एनी डिविएशन फ्रॉम दिस रेंज अगर हुआ तो डेट्रीमेंटल यानी नुकसानदेह होगा और ग्रेविटी का भी असर इन पे पड़ता है क्योंकि रूट टूवर्ड्स ग्रेविटी जाएगी स्टेम अवे फ्रॉम ग्रेविटी जाएगी ठीक है इतना क्लियर हो गया आगे बढ़ जाए अभिषेक तनवीर सूरज बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दो यहां पे बहुत अच्छे स्टूडेंट हो इधर उधर चिट चैटिंग नहीं करनी अपने को ठीक है चलो डन अब यहां नहीं लिखा पर हम पढ़ेंगे कि लाइट का असर केवल फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं है फोटो पीरियडिज्म कुछ पेड़ हैं जो गर्मियों में फूल देते हैं कुछ पेड़ हैं सर्दियों में फूल देते हैं उन्हें ज्यादा देर लाइट चाहिए कम देर लाइट चाहिए वो सारा फंडा इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे चलिए अब आगे आ जाते हैं अब ये तो अपने टिप्स पर है एनसीआर में बहुत आसान है आपको पढ़ा चुकी हूं क्या बताया था सबसे पहले प्राइमरी मेरिस्टेम होता है उसमें डिफरेंसिएशन होके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता था फ्लोयम कॉलनकाइमा स्क्रन कायमा याद आया इसे हमने डिफरेंसिएशन कहा था फिर जब सेकेंडरी ग्रोथ होनी है पेड़ की चौड़ाई होनी है तो इसी से डी डिफरेंसिएशन से सेकेंडरी मेरिस्टेम बना था याद आया सेकेंडरी मेरिस्टेम जैसे कॉर्क और फिर वापस मेरिस्टेक हुआ था उससे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बना था जैसे सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोयम याद आ रहा है सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोयम और क्या था कॉर्क और क्या था सेकेंडरी कॉटेक्स ये सब सेकेंडरी परमानेंट इश्यू था सेकेंडरी मेरिस्टेम में कॉर्क कैम्बियम थी वस्कुलर कैम्बियम पूरा नहीं लिख सकती क्योंकि उसका इंट्रा फैसिकुलर यहां था Inter फैसिकुलर बंडल के बीच बीच में यहां थी याद आ रही है सबको बिल्कुल इजी टॉपिक है ठीक है अभी तो क्लियर हो गया अजीत ये तो पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं हैंटमी में पूरी समरी बता दी मैंने पूरी समरी बता दी है बायोमोलिक्यूल नहीं यहाँ पे तो मैम पढ़ाएंगे आपको मैं कंपटीशन वाला पे महाविजन थर्स डे अब जो थर्सडे आएगा तेरह तारीख थर्टींथ को पढ़ाऊंगी थर्टींथ कंपटीशन वाला चैनल पे लेकिन चलो बस यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंसिएशन डी डिफ्रेंसिएशन एंड अब यानी मैं क्या बोल सकती हूं कि डिफ्रेंसिएशन दो बार हो रहा है एक बार यहां एक बार यहां ये यह भी डिफरेंसिएशन स्पेशलाइजेशन है, है जो दोबारा हो रहा है यानी एनसीआरटी लिख देती है दैट डिफरेंसिएशन दो बार हो रहा है यानी इट इज ओपन इन प्लांट दो बार हो रहा है ऐसा नहीं बस एक ही बार हो रहा है मॉलिकुलर बायोलॉजी मैं लूंगी बिल्कुल अगले हफ्ते अगले हफ्ते मंडे को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ट्यूसडे को प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और थर्सडे को अपन मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक तीनों चैप्टर्स पढ़ेंगे मजे आएंगे चलो ये सब हो गया अब आ जाओ अगला एनसीआरटी ओपन कर लो वो सबने मार्क कर लिया था ना ठीक है स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना किसी को इसका इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो देख लेना आप इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है डिफरेंसिएशन का स्टूडेंट्स डिफरेंसिएशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है भाई ट्रैकिड बनना है तो लिगनिन जमा हो जाएगा ताकि वॉल जो है सेल जो है वो डेड हो जाए तो जो बनना है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा फ्लोएम सीव ट्यूब बनना है न्यूक्लियस गायब हो जाएगा वो सब चीजें होंगी सही अब आ जाओ एनसीआर में एक ये निकालो डेवलपमेंट अब डेवलपमेंट की बात हमने अभी करी ली थी डेवलपमेंट का मतलब ग्रोथ प्लस डिफ्रेंसिएशन चैप्टर के शुरू में ही पढ़ लिया है यानी एक सेल ग्रो करेगा सीड जर्मिनेट करेगी फिर वेजिटेटिव फेज आएगा लिविंग वर्ल्ड में सिखा आपको सिखाया है हमेशा वेजिटेटिव फिर रिप्रोडक्टिव फेज फिर बूढ़ा होगा और मर जाएगा तो सीड जर्मिनेशन पहला स्टेप है वहां से लेके बूढ़ा होने तक जो कुछ भी घटनाएं घटेंगी नाउ आ जाओ ये एनसीआरटी का डायग्राम निकालो बताओ कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ये डायग्राम पल्ले ही नहीं पड़ता समझ ही नहीं आता क्यों बनाया है जीवन आराम करने के लिए बनाया है बताओ जल्दी से हम्म जो हो चुके हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही है अब रिवीजन जैसे ही तो है बेटा दो दो घंटे में तो पूरा पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन और एक एक वर्ड पढ़ रहे हैं आप पॉडकास्ट सीरीज देख सकते हो पीडब्ल्यू यकीन चैनल पर वहां आधे आधे घंटे चालीस मिनट में सुन सुना कर केवल मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज कराया जोलॉजी भी पूरी ले रही हूं मैं वहां पे ठीक है आता ही बहुत अच्छी बात है जब मुझसे पढ़ा है अंशिका अनिश्का कह रही है नहीं आता सनी को नहीं आता अर्शिता तनु सत्येंद्र सोनू चलो आ जाओ समझाती हूँ बहुत आसान है बहुत आसान देखो नहीं आप यही कंटिन्यू करो अगर कोई पहली बार भी आ रहा है क्लास रह गई है कोई बात नहीं पढ़ो कोई बात नहीं है कुछ कुछ नहीं सब समझ में आएगा देखो सबसे पहले एक मेरिस्टमैटिक सेल है ठीक है इसमें ग्रोथ होगी हम जानते हैं पहले प्लाज्मेटिक ग्रोथ यानी इसके साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म में ग्रोथ होगी ग्रोथ होगी फिर ये डिवाइड कर जाएगा एक से दो दो से चार चार से आठ ग्रोथ डिवीजन ग्रोथ डिवीजन ग्रोथ डिवीजन ग्रोथ डिवीजन ये कहानी चलती रहेगी ये मेरिस्टमैटिक जोन की कहानी है ग्रोथ डिवीजन ग्रोथ डिवीजन ग्रोथ डिवीजन पर मान लो इस सेल ने निर्णय लिया कि मैं तो डिफरेंशिएट होऊंगा यानी ये सेल साइकिल से बाहर निकल आया, यानी पहले इलोंगेशन होगा इसका इलांगन जोन फिर मैच्योरेशन होगा तब जाकर हम कहेंगे ये डिफरेंशिएट हो गया मैच्योर सेल बन गया ठीक है आगे मजे बस अब अगर मैच्योर हो गया तो अब ये बूढ़ा होगा और बूढ़ा होके बाद में इसकी मृत्यु हो जाएगी कितना आसान है देखिए सम्राट आपके पायरेटेड वीडियो से पढ़ा था वीडियो से बहुत स्टूडेंट्स ने पढ़ा यू रियली थैंक यू आपको मजे आ रहे हैं सुबह लिख रही है birthday, मेरा बर्थडे गया फोर्टीन फेब्ररी मेरा बर्थडे गया अगली बार आएगा चलो आ गया क्लियर हो गया अच्छे से मेरा बर्थडे नहीं है भाई झूठी अफवाहें ना फैलाएं <laughs> चलो आगे बढ़ जाए आज के थे हंसते खेलते पढ़ रहे हैं ना मन मजे से एकदम पर पढ़ना सही है पूरा आना सब चाहिए ये पता है क्यों क्योंकि बहुत कुछ पुराने चैप्टर्स का रहा है ना मॉर्फोलॉजी का एनाटॉमी का हम सब पढ़ते हैं ऑलरेडी जानते हैं चलिए आगे समझ आगे बढ़ते हैं अब आ जाओ एनसीईआरटी में प्लास्टिसिटी समझते अब समझो ये डायग्राम देखो आप सबके घर में धनिया आया होगा कभी ना कभी कुछ धनिए में ऐसी पत्ती रहती है और कुछ धनिये की ऐसी पत्ती रहती है डायग्राम ओपन करो ये यानी पत्ती का शेप अलग है शेप ऑफ लीफ लिखो इसी में एनसीईआरटी में डिफरेंट लीफ के लिए फाइलो वर्ड यूज करते हैं जैसे स्टेम पे लीफ के अरेंजमेंट को फाइलो टैक्सी कहा था तो अलग अलग शेप ऑफ लीफ है इसे कहते हैं हेटे मतलब डिफरेंट लीव का शेप यानी हेट्रोफाइली अब यहां होता क्या है कि अगर जुविनाइल फेज में धनिया यानी धनिया के फूल नहीं आए वेजिटेटिव फेज तो ऐसा शेप और अगर धनिया में फूल आ गए हैं धनिया एक एनजीओ पर में फूल आ गए हैं अडल्ट मेच्योर फेज में आ गए तो ऐसी पत्ती आती है यानी हेट्रोफाइली यहां पर इंटरनल कहलाएगी यानी फेज ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग शेप ऑफ द लीफ चेंज हो रहा है अंदरूनी फेज कौन सा है ठीक है नाउ दूसरा इसके तीन एग्जाम्पल हैं सी एल सी यानी कोरिएंडर धनिया जो मैं बता रही हूं ये डायग्राम पर्टिकुलरली लार्क्स पर का बना है लार्क्स पर एंड कॉटन इसमें भी ऐसे ही होता है कपास में अब एक पेड़ है बटर कप बटर कप बटर कप में क्या होता है एक ही समय पे, एक ही समय पे, अलग अलग फेज ऑफ लाइफ नहीं है एक ही समय पर कुछ पत्तियां पानी के अंदर है ये एक्वाटिक प्लांट है और कुछ पत्तियां पानी के ऊपर है तो जो पानी के ऊपर है वो तो नॉर्मल पत्तियां हैं क्योंकि यहां से फोटोसिंथेसिस करना है तो अच्छा सरफेस एरिया होना चाहिए जो पानी के ऊपर है टेरेस्ट्रियल पर जो पानी के अंदर है अगर वो ऐसी होती तो वाटर करंट से टूट जाती तो वो ऐसी रहती है पतली पतली ताकि पानी इनके बीच से बहके निकलता जाए तो यहां पे एनवायरमेंट डिफरेंट है एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह की पत्तियां बन रही है एक ही समय में ये तो फेज ही अलग अलग है जीवन का यस 2022 में भी इस पे क्वेश्चन आया है डायरेक्ट एग्जाम्पल पे भी क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि एक ही पेड़ या तो जीवन के अलग अलग फेज में या एक ही समय पर एक ही फेज में लेकिन वातावरण एनवायरमेंट अलग अलग होने के कारण अलग अलग शेप ऑफ लीव बना रहा है यानी अलग अलग अमाउंट में या टाइप ऑफ प्रोटीन बना रहा होगा यानी अलग अलग रिस्पॉन्स दे रहा है इसे प्लास्टिसिटी कहते हैं प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल हेट्रोफाइली है हो सकता है कुछ और कैरेक्टर में भी डिफरेंसेस प्लास्टिसिटी प्लांट फॉलोस डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू या तो एनवायरमेंट अलग है या लाइफ का फेज अलग है जिसके कारण अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बना रहा है एग्जाम्पल पत्तियों का शेप अलग अलग हो डन चलिए सो ये फटाफट से सब लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ जाते हैं वैसे आई होप आपने एनसीआरटी में लिख भी दिया ये फ्लेक्सिबल नेचर है मितानशु गया समझ में बहुत बढ़िया चल प्लास्टिसिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स कॉमनली क्वेश्चन आते हैं इस इसपे अब आ जाओ आगे यानी हम क्या कह सकते हैं एनसीआरटी ओपन करिए फिर से कह रहे हैं कि डेवलपमेंट का मतलब है सम टोटल ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंसिएशन और इसे कंट्रोल करेंगे बोथ एनवायरमेंटल एंड इंटरनल फैक्टर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स में मोस्ट कॉमन क्या होता है वही पानी न्यूट्रिशन अभी अभी तो देखा था कंडीशंस क्या चाहिए ग्रोथ के लिए पानी न्यूट्रिशन खाना हवा लाइट टेम्परेचर और इंटरनल और क्या चाहिए भाई इंटरनल एक तो हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स जिन्हें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं जो एक सेल से दूसरी सेल में खबर लेके जाएंगे यानी इंटरसेल्यूलर और एक सेल के अंदर जो जीन्स हैं उनसे जैसा जीन वैसा एमआरएन ए वैसा प्रोटीन यानी जेनेटिक फैक्टर ये इंटरा सेल्यूलर है तो इंटरनल में भी दो हो गए सेल के अंदर इंट्रा सेल्यूलर यानी जीन्स और दो सेल के बीच में खबरी पोस्टमैन यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी हॉर्मोन्स ठीक है हो गया टिप्स पे क्लियर आगे बढ़ जाए मास्टर आई डोंट नो वाई यू स्किप्ड ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मैंने आपको आइडिया दिया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में तो सिंपल लिखा है कि जो क्रिस्चन ग्राम स्टेन लेंगे वो पॉजिटिव जो नहीं लेंगे वो नेगेटिव बट मैंने आपको एक आइडिया दिया था स्टूडेंट्स मैंने वर्बली बोला था आई थिंक अगर मिस हो गया तो आई एम सॉरी आप तो आपके लेवल पर इतना याद रख लो पॉजिटिव और नेगेटिव पर ऐसा होता नहीं है ग्राम स्टेन डालने पर तो दोनों में कलर आता है फिर जब अपन एसिटोन डालते हैं ना तो पॉजिटिव वालों में कलर डाई रिटेन रहती है और नेगेटिव वालों में धुल जाती है वो कलरलेस हो जाते हैं ठीक है टाइफाइड के सिम्टम बताओ वाह प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहा है आपके दिमाग में भी ये चीज कैसे आ रही है बताओ कितना फ्रिजाइल दिमाग है ऐसा कॉन्सेंट्रेशन कैसे बनेगा अपना चलो अब एनसीआरटी में देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पीजीआर यानी पेड़ के हॉर्मोन्स पेड़ मतलब फाइटो हॉर्मोन स्टूडेंट्स हॉर्मोन्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं मार्क करो इसे लार्ज लिख देंगे तो गलत हो जाएगा सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं स्मॉल एंड सिंपल कॉम्प्लेक्स लिख देंगे तो गलत हो जाएगा और अलग अलग केमिकल नेचर है अभी हम देखेंगे ऑक्सीजन का अलग केमिकल कॉम्पोजिशन है जिब्रेलिन का अलग है अलग अलग केमिकल के बने डाइवर्स ठीक है अभी अभी पढ़ाऊंगी सम्राट अब भी पढ़ाऊंगी पूरा अच्छे से यहाँ पे डोंट वरी आगे बढ़े चलो अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दो तरह के हो जाएंगे बहुत आसान है या तो ग्रोथ को बढ़ाएंगे प्रमोटर या ग्रोथ को रोकेंगे इनहिबिटर तो पहले हो गए प्रमोटर और दूसरे हो जाएंगे इनहिबिटर ये भी अपन जानते हैं एनसीआरटी में मार्क कर लो अब प्रमोटर क्या क्या एक्टिविटी प्रमोट करेंगे देखो बड़ा आसान है समझो अगर सेल डिवाइड करेगा तो ये प्रमोशन है ना सेल डिवाइड करेगा तो नंबर बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ रही है या yeah, सेल बड़ा हो गया सेल का साइज बढ़ गया तो भी ग्रोथ हो रही है तो रटने की जरूरत ही नहीं है सेल नंबर बढ़ रहा है यानी सेल डिवीजन हो रहा है सेल का एनलार्जमेंट हो रहा है ये सब पॉजिटिव ग्रोथ है यानी प्रमोटर करेगा नाउ पैटर्न फॉर्मेशन का मतलब तरह तरह की ब्रांचिंग हो रही है अलग अलग पैटर्न बन रहे हैं पेड़ों में ट्रॉपिक ग्रोथ ट्रॉपिक ग्रोथ मतलब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के अलावा यानी स्टेम लीफ रूट की ग्रोथ इसके बाद रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में फ्लावरिंग आ गई फूल फूल खिलना खिलेंगे तो फल आएंगे यानी फ्रूट फ्रूट और आएगा आएगा तो सीड कितना आसान है सेल डिवाइड या सेल बड़ा हो पैटर्न्स बने रूट स्टेम लीफ यानी ट्रॉपिक ग्रोथ हो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ यानी फ्लावरिंग हो फ्लावरिंग होगी तो फ्रूटिंग होगी फ्रूट होगा तो उसमें सीड आएगा मॉर्फोलॉजी में पढ़ा चुके हैं कितना आसान है ठीक है अब तीन होते हैं प्रमोटर अभी हम सब भर भर के पढ़ेंगे ऑक्सिन जिब्रिलेन साइटोकाइनिन कौन कौन से होते हैं ऑक्सिन ऑक्सीजन साइटोकाइनिन फिर से बोलो ऑक्सिन ऑक्न एंड साइटोकाइनिन अब इनहिबिटरी एक्टिविटी क्या होती है देखो जब फल बूढ़ा हो गया पक गया पूरा ऐसा समझ लो बूढ़ा नहीं पक गया पत्ती बूढ़ी हो गई मुझे उसे गिरवाना है फॉल करवाना है जिसे एप्सीजन बोलते हैं ये इनहिबिट कर रही हूं मैं ग्रोथ को रोक रही हूं या मान लो पेड़ में कट लग गया मैं नहीं चाहती अभी ये काम करे स्ट्रेस का समय है इमरजेंसी का समय अभी ग्रोथ रुक जाए तब भी इनहिबिटरी हार्मोन निकलेगा टोमेटा तो बहुत पानी की कमी है मैं टोमेटा तो क्लोज करना चाहती हूँ ये भी इनहिबिटरी एक्टिविटी है तो एप्सीजन करवाना गिरवाना झड़वाना पेड़ जो बूढ़ा हो रहा है ये सब सेनेसेंस एजिंग ये इनिबिट्री एक्टिविटीज हैं देखिए यहाँ पे इनिबिट्री में क्या होगा आ, जब भी स्ट्रेस या घाव हो जाएगा किसी भी कारण से कोई डिजीज हो जाए बायोटिक मतलब बैक्टीरियल वायरल कुछ भी या धूप छाव सर्दी गर्मी किसी कारण से भी यानी इसके दो काम हैं एक एप्सिजन एप्सिजन का मतलब होता है पत्ती फल या फूल का झड़ना और दूसरा डॉर्मेंसी भाई अभी अनफेवरेबल प्रतिकूल परिस्थिति मैं नहीं चाहती बीज जर्मिनेट करे जर्मिनेट करना तो एक ग्रोथ प्रमोटरी एक्टिविटी है So, मैं नहीं चाहती हूँ क्योंकि फेवरेबल कंडीशन नहीं है डॉर्मेंसी तो डॉर्मेंसी बुढ़ापा लाना यानी घाव वगैरह लगने पे जो हार्मोन निकलेगा वो सब इनहिबिटरी होगा इसमें दो आते हैं इथलीन और एप्सिक एसिड इथलीन और एप्सिक एसिड अब ध्यान से सुनिए इथलीन जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं प्रूव करूंगी कि कुछ एक्टिविटीज की प्रमोटरी है कुछ एक्टिविटीज की जिब्रलिन जैसी होती है कुछ एक्टिविटी जैसी होती है पर काफी एक्टिविटीज एक्टिविटीज मेजर बुढ़ापा लाना और पत्ती वगैरह गिरवाना सेनेसेंस एंड इसकी जो है ये एक्टिविटीजिक एसिड जैसी होती है यानी ये दोनों ग्रुप में फिट हो सकता है इथलीन गैशियस हॉर्मोन है पर लार्जली इनिबिटर है तो ये लाइन अपने को अच्छे से मार्क होनी चाहिए ठीक है इनिबिटर मतलब रोकना चिराग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल आप लोगों को मिलेगा पर उसकी लाइव क्लास नहीं होगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में पब्लिश होगा वो सैटरडे यानी कल या परसों पब्लिश हो जाएगा तो आप पढ़ लेना करीब दो घंटे मैंने रिकॉर्ड कर दिया है बिल्कुल ऐसे ही होगा बस लाइव क्लास नहीं होगी ठीक है सैटरडे या संडे पब्लिश हो जाएगा वो इसी चैनल पर चलो तो ऑक्सिन साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन टोटली प्रमोटरी हैं एप्सिस एसिड नाम ही करने वाला टोटली इनहिबिटरी है और इथिलीन दोनों ग्रुप्स में फिट करेगा कुछ एक्टिविटीज ग्रोथ प्रमोट करेंगी बढ़ाएंगी कुछ कम करेंगी लेकिन चलो रजिस्टर ओपन करिए सब लोग रजिस्टर ओपन करो हम एक साथ सारे हॉर्मोन्स का केमिकल नेचर लिखेंगे मैच तो कॉलम में भी ये पूछ सकते हैं करिए फटाफट से मैं अपनी क्लासेस तो बताई रही हूं आपको दो बजे दिन में रहेगी क्लास मंडे को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है ट्यूसडे को प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की है और थर्सडे को मॉलिकुलर बेसिस की है ठीक है और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म सैटरडे या संडे में से एक दिन पब्लिश हो जाएगा चलिए जाओ ट्रिक से लिखते हैं सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहला लिखो ऑक्सिन ऑक्सिन, ए आई से याद रखो ए आई ऑक्सिन डेरिवेटिव्स लिखो सब इंडोल डेरिवेटिव इसमें दो आने चाहिए ए इंडोल थ्री एसिटिक एसिड एंड आई बी इंडोल थ्री ब्यूटाइरिक एसिड लिखिए ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है फरजाना एक बार रेस्पिरेशन का जो मैंने पढ़ाया है वन शॉट उसको करो इसी चैनल पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में आपको थैंक यू थैंक यू बी मच योर थैंक यू फॉर योर लव एंड थैंक यू फॉर योर मोटिवेशन चलिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके पास है एक सीए के साइटोकाइन है एडिनाइन डेरिवेटिव सीए अब साइटोकाइन बहुत सारे हैं हमें जो एग्जाम्पल लिखना है वो लिखो एग्जाम्पल काइनेटिन का काइनेटिन एडीनाइन एडीनाइन ये वही ये डीएनए आरएनए में जो प्यूरिन मिलती है एन सिक्स पर प्यूरिल अमीनो प्यूरिन काइनेटिन का पर्टिकुलरली केमिकल नेचर है एन सिक्स फर फ्यूरिल अमीनो प्यूरिन बाकी अलग अलग साइटोकाइन है कई सारे उनका अलग अलग केमिकल होगा लेकिन होंगे सारे एडिनाइन प्यूरिन के डेरिवेटिव्स ठीक है नाउ तीसरा

प्लीज लिखिए नाउ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सी ए गौरव टावर जीटी में गया ठीक है अब जीटी में गया तो वहां पर उसे बहुत सारे एसी दिखे लगे हुए एसी मतलब वो फुल्ली एयर कंडीशन था जीटी यानी लिखो एप्सिसिक एसिड के बना होता है ये वही कैरोटिनॉइड है जो फोटोसिंथेसिस में पड़ते हैं फैट सॉल्यूबल पिगमेंट्स एप्सिसिक एसिड ए बी ए लिखते हैं लिखिए पैक तेजस कह रहा है एनाटॉमी से देखना स्टार्ट किया मैम आपको पहले क्यों नहीं मिले आप आपसे पढ़ने के बाद लग रहा है थ्री थर्टी में आराम से ले आऊंगा इस बार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड आप ईयर लॉन्ग बैच में होते तो मजा आ जाता स्टूडेंट्स अभी फेज 1 में तो मैं नहीं हूं उसके टीचर्स आपके ऑलरेडी डिस्क्लोज़ भी हो चुके अगर कुछ होगा नोटिफिकेशन तो आपको जरूर वो चीज बताई जाएगी ठीक है अभी तो जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ो है ना अभी तो पढ़ो चलो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सी ये गौरव टावर में गया जिसने देखा वो सब कुछ एयर कंडीशन है तो उसने ऐसे सांस ली गहरी सांस ली यानी गैस निकली उसके मुंह से तो इतलीन है गैशियस इतलीन गैशियस है एथिलीन गैसीयस ये गैस एथिलीन तो पता ही है अपने को C2H4 इतनी केमिस्ट्री तो अपन सबको आती है पूर्णिमा आपने सारे चैप्टर्स मुझसे पढ़े बहुत बढ़िया ठीक है डन स्क्रीनशॉट नहीं लिखो लिखो केमिकल नेचर याद नहीं होते हैं मैं एक साथ लिखवा रही हूं एक जगह पर इसीलिए टाइम दे रही हूं मेरा क्या है मैं तो जल्दी-जल्दी आगे बढ़ जाऊं नहीं तो नहीं लेके ऐसे नीचे लेगा जो तो लिखना है उसे लिखना भी है रचना कह रही है फर्स्ट टाइम एक बार में याद हो गया बहुत बढ़िया इसी तरह से लर्न करना इसी तरह से बार बार रिवाइज करना बार बार इसी तरह से रिवाइज करोगे तो एग्जाम में जब वो पांच ऑप्शंस या वो मैच द कॉलम देंगे ना तो वो हल्का सा हिंट देख के आंसर पक्का आ जाएगा ठीक है चलो दर्शिल बहुत बढ़िया थैंक यू मानसी चलो साइड हो जाऊ ये लो पूरा साइड हो जाती हूँ स्क्रीन लोगे तुम इसीलिए मुझे साइड करवा रहे हो मैं आपसे बोल रही हूं लिखो आप मेरे को साइड करवा के स्क्रीन ले रहे हो सन्नी लिख लिया बढ़े आगे बढ़ जाए हल आ जाओ अब सबसे पहले हम डिस्कवरीज एक साथ कर लेंगे हम पांचों की खोज एक साथ पढ़ लेते हैं और फिर हम फंक्शंस एक साथ पढ़ लेंगे तो पहले ऑक्सिन ओपन करो देखो बहुत आसान है ऑक्सिन शब्द का मतलब ही होता है टू ग्रो ये ग्रीक से आया है सारे ग्रीक से आए हैं देख लो केवल एक सिस्टिमा लैटिन वर्ड पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस भी जी से ग्रीक से आया था ग्लाइकोलिसिस याद है चलिए अब समझिए चार्ल्स डार्विन का नाम आप सबने सुना है एवोल्यूशन में थियोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ नेचुरल सिलेक्शन की बात इन्होंने की थी जी हाँ ये वही चार्ल्स डार्विन जी है जिन्होंने डार्विनिज्म दिया है तो चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ये तक क्वेश्चन आ सकता है वो क्या कर रहे थे ध्यान से चलो लिखो मेरे साथ वो कैनरी ग्रास एक घास है घास मतलब मोनोकॉट और मोनोकोट के एम्ब्रियो में मैंने आपको पढ़ाया है कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा एडिशनल स्ट्रक्चर होते हैं जो डायकॉट में नहीं होते तो वो कैनरी घास के कॉलियोप्टाइल को स्टडी कर रहे थे कॉलियोप्टाइल याद है ना प्लीम्यूल की जो कवरिंग होती है उन्होंने क्या देखा मान लो ये है वो एरिया उन्होंने एक तरफ से लाइट दी एक तरफ से मतलब यूनिलेटरल बनाओ रजिस्टर में और लाइट दी मतलब इल्यूमिनेट किया इल्यूमिनेशन दिया तो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन उनके बेटे कैनरी घास पे काम कर रहे थे घास मतलब मोनोकॉट उसके कॉलियोप्टाइल को स्टडी कर रहे थे एक तरफ से लाइट दी तो उन्होंने क्या देखा उन्होंने थोड़ी देर बाद ये देखा कि जिस तरफ लाइट दी है उस तरफ ये झुक गई जिस तरफ लाइट है उस तरफ ये झुक गई यानी टूवर्ड्स लाइट सोर्स टूवर्ड्स लाइट सोर्स उन्हें क्या समझ में आया उन्हें ये समझ आया कि जिस तरफ से लाइट दे रहे हो उसके दूसरी तरफ यहां टिप से ये केमिकल निकला होगा कुछ केमिकल उन्होंने नहीं बताया था क्या जिससे इस एरिया में ज्यादा ग्रोथ हुई हो होगी और इसीलिए ये लाइट की तरफ झुक गया तो ध्यान रखना जहां लाइट ज्यादा पड़ रही है उसके ऑपोजिट ये निकल के और ग्रो करके उस तरफ झुक जाता है ठीक है आदिति मजे आ रहे चलो और पढ़े हो गया क्लियर एक एक शब्द आ गया टूवर्ड्स लाइट सोर्स बेंड होगा ध्यान रखना यूनिलेटरल एक तरफ से लाइट दे रहे हैं कैनरी घास के कॉली पे काम किया था उन्होंने ऑक्सीजन नहीं खोजा था उन्होंने बस इतना कहा था कि जरूर कुछ ऐसा है जो निकल रहा है केमिकल जिसने इसकी ग्रोथ कराई और इसीलिए एक तरफ झुक गया है। अब ये, देखो। ये।, ये है इधर से लाइट दी तो इधर झुक गया लेकिन अगर मैं इसकी टिप काट दू तो टिप पर ही ऑक्सीजन बनता है अगर मैंने टिप उड़ा दी कट तो अब ये नहीं झुक रहा अगले में और फिर मैंने कैप लगा दी तो फिर झुक गया टिप काट दोगे तो फिर ग्रोथ नहीं होगी ऑक्सीजन नहीं निकलेगा झुकेगा नहीं अच्छे से समझ में आ गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब कुछ ट्रांसमिसेबल इंफ्यूजन मतलब कुछ केमिकल है जिसने बेंडिंग करा दी है अब एनसीआरटी में माफ करिए सबसे पहले ऑक्सीजन निकाला किसने खोजा किसने वेंट ने वेंट ने ये काम कर रहे थे ओट्स ओट्स भी गेहूं चावल मक्के की तरह मोनोकॉट है तो उसमें भी उसका जो एम्ब्रियो है सीडलिंग है उस पर भी कॉलियपटाइल मिलेगी उसी पे काम कर रहे थे तो ये ओट सीडलिंग पे काम कर रहे थे उसके कॉलियोपटाइल जो है उसकी टिप से इन्होंने ऑक्सीजन को पहली बार निकाला और इनफैक्ट ये दो पेड़ों की बात है उसके पहले ऑक्सीजन ह्यूमन यूरिन से भी निकाला जा चुका है अब ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है ये नाम ऑक्सीजन भी वेंट ने दिया था और खोज का क्रेडिट भी वेंट को जाता है सो so यह हो गई ऑक्सीजन की डिस्कवरी चलो अब आ जाओ पहले जिब्रिलिन की डिस्कवरी डिस्कस करते हैं जिब्रिलिन की डिस्कवरी अब ध्यान से समझिएगा जिब्रिलिन की जो पहली खोज हुई थी वो पेड़ से नहीं हुई थी फंजाई से हुई थी जी हां माई डियर स्टूडेंट जिब्रिलिक एसिड फंगस में भी मिलता है ध्यान से समझिएगा एक साइंटिस्ट हुए मार्क करो कुरो सावा उन्नीस की बात है ये जापान में रहने वाले पैथोलॉजिस्ट हैं जापानीज़ पैथोलॉजिस्ट बीमारी स्टडी करने वाले तो चावल में एक बीमारी होती है जिसे पुलिश सीडलिंग या बैकेने डिजीज बोलते हैं बेसिकली इसमें होता क्या है जो सीड है वो स्टेराइल हो जाती है यानी आगे वो ग्रो नहीं कर पाता तो उन्होंने क्या करा उन्होंने एक ऐसा पेड़ चावल का पेड़ जिसमें ये बीमारी है इसका एक्सट्रैक्ट एक नॉर्मल चावल के पेड़ में डाला उसको भी बीमारी हो गई उन्हें यह पता चला कि जब अनइंफेक्टेड चावल में उन्होंने एक फंगस जिब्रेला फ्यूजी कोराई को इंट्रोड्यूस करवाया एक अनइंफेक्टेड नॉर्मल चावल के पेड़ में जिब्रेला फ्यूजी कोराई फंगस को इंट्रोड्यूस किया तो उस चावल के पेड़ में ये बीमारी हो गई तो वो समझ गए कि इससे कोई केमिकल निकलता है जो ये बीमारी कराता है और इसीलिए इसका नाम जिब्रेलिक एसिड पड़ा क्योंकि जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम के फंगस में सबसे पहले खोजा गया था नाउ अभी तक सौ से ज्यादा या या एसिड हैं जो फंजाई से हायर प्लांट्स में से खोजे गए हैं जो पहले खोजा गया एसिड एसिड लेकिन सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो पढ़ा जाता है वो जिब्रेलिक एसिड थ्री है नाम ये एसिड यानी ये एसिडिक हैं और हमने अभी पढ़ा ही था जी यानी यानी एसिड टर्पीन के डेरिवेटिव हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हो गया चलो यस yes, ऑक्सिन अभी हम पढ़ेंगे रूट और शूट की टिप्स पर ही मिलता है चलो अब थर्ड पढ़ते हैं साइटोकाइनिन इसकी खोज अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती है। चलो एनसीईआरटी ओपन करो और फिर रजिस्टर में भी अपन लिखेंगे देखिए सबसे पहले स्कूग और उनके कुछ को वर्कर्स थे स्कूग ये तंबाकू के पेड़ पे काम कर रहे थे टोबैको की स्टेम उसका भी जो इंटर नोड वाला एरिया है दो नोड के बीच का इंटर नोडल सेगमेंट अब आप जानते हो इंटर नोडल सेगमेंट मतलब है ये इससे मेरिस्टमैटिक ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कैलस बनाना चाहते थे कैलस हम जानते हैं अनडिफरेंशिएटेड यानी जो डिवाइड कर सकता है मास ऑफ सेल्स होता है इसके पहले तक ऑक्सिन की खोज हो चुकी थी तो सबको ये पता था कि ऑक्सिन ही है जो ग्रोथ करवाता है तो स्कूग जी ने ये सोचा कि मैं ऑक्सिन डालूंगा तो ये कैलस बन जाएगा पर ऐसा हुआ नहीं फिर उन्होंने और केमिकल डालना शुरू करे हिट एंड ट्राई तो उन्होंने क्या देखा कि अगर इसके साथ वो वस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोयम ऐड कर दे उसका मटेरियल या यीस्ट का कोई एक्सट्रैक्ट यीस्ट एक फंगस है इसे ऐड कर दें, या नारियल कोकोनट मिल्क ऐड करें या डीएनए ऐड करें अगर उन्होंने ऑक्सीजन के साथ इनमें से कुछ भी ऐड करा इनमें से कुछ ऐड करा ऑक्सीजन के साथ तो कैलस बन गया तो कैलस बन गया यानी उन्होंने ये कहा कि ग्रोथ के लिए केवल ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल नहीं है कुछ और भी है और क्योंकि वो ग्रोथ करवा रहा है सेल का डिविजन तो इन्हें साइटोकाइन कहेंगे मतलब डिविजन करवाना साइटो सेल का सी के शॉर्ट में लिख देते हैं और आज हम जानते हैं आपने प्लांट ब्रीडिंग में भी पढ़ा होगा कि अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बराबर होते हैं तो कैलस बनता है अगर ऑक्सिन मोर देन साइटोकाइनिन है तो रूट बनता है इसलिए ऑक्सीजन को रूटिंग हार्मोन बोलते हैं और अगर more than हो जाए तो शूट बनती है इसीलिए जब करते हैं मान लो एक पत्ती से पेड़ बनाना है तो पहले पत्ती में ये दोनों बराबर डालेंगे तो कैलस बन जाएगा अब ऑक्सीजन बढ़ा दूंगी तो रूट निकल आएगी फिर साइटोकाइनिन बढ़ा दूंगी तो शूट निकल आएगी ठीक है इतना क्लियर हो गया ये पहली बात हुई ये बिल्कुल अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो या आई होप आप लोग मेरे साथ लिख रहे हो तो इसको लिख लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की लाइंस है अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती अब ये हटा देते हैं ये प्रिंटिंग मिस्टेक है अब सेकंड इसकी खोज का श्रेय कहां जाता है इसकी खोज अब ध्यान से समझो साइटोकाइनिन मैंने सी ए पढ़ाया था साइटोकाइनिन सी ए एडीनाइन डेरिवेटिव्स डीएनए में एडीनाइन है वस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोयम फ्लोयम में लिविंग है एडीनाइन हो गई जीस्ट जीस्ट में डीएनए होगा यानी एडेनाइन होगा तो ये सब है तो सही एडेनाइन डेरिवेटिव्स अब इसका खोज जो है वो स्कूग एंड मिलर ने करी है डिस्कवरी स्कूग एंड मिलर लिख लो. इन्होंने काइनेटिन नाम का साइटोकाइनिन खोजा था काइनेटिन वो जो भी पढ़ा था ना पर एनसेक् वो लेकिन ये पेड़ों में नहीं मिलता नॉट प्रेजेंट इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रहे हो और ऐसी बातें कर रहे हो बिल्कुल ये पेड़ों में नहीं मिलता फिर ये कहा मिलता है भाई सेल डिवीजन तो एनिमल्स में भी हो रहा है तो ये हार्मोन एनिमल्स में मिलता है यूनिक मछली से मिला था हेरिंग फिश नाम है हेरिंग जो स्पर्म है स्पर्म स्पर्म का जो डीएनए है तो हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए से वो भी पहले ऑटोक्लेव किया था वरना पता पड़ा इसमें बैक्टीरियल इंफेक्शन है वायरल इन्फेक्शन है फंगल इंफेक्शन है तो पता नहीं फिर ये केमिकल फंजाई का है कि इस मछली का है तो ये मछली में जानवरों में भी बनता है ठीक है डन चल अब इसके बाद थर्ड साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए अकेले मिलर तो देखो पहले स्कूग की बात की फिर स्कूग एंड मिलर ने मिलके मछली से आइसोलेट डिस्कवरी की और अब केवल मिलर की बात कर रहे हैं पहले स्कूग फिर स्कूग एंड मिलर अब केवल मिलर मिलर ने 1955 में आइडेंटिफाई एंड क्रिस्टल्स बना दिए इस साइटो सेल के डिवीजन को प्रमोट करने वाले सब्सटेंस के जिसे काइनेटिन कहा था ये वही काइनेटिन है जो मछली से दोनों ने मिलकर खोजा था फिर मिलर ने क्रिस्टल्स बना दिए थे ठीक है ये तीसरा तो ओनली स्कूक की बात हो गई स्कूग एंड मिलर ने मछली से खोजा और मिलर ने उसके क्रिस्टल्स भी बना दी और ये काइनेटिन नेचुरली पेड़ों में नहीं मिलता है तो फिर पेड़ों में कब खोज हुई आ जाओ फोर्थ फोर्थ पेड़ों में सबसे पहले लेथम साइंटिस्ट ने खोजा था हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया इन्होंने मक्के से खोजा था मक्के से उसे ज़ियाटिन कहते हैं बैब जिसे बोलते हैं बेंजाईल अमीनो प्यूरीन बैब कोकोनट मिल्क से मे से पेड़ों में सबसे पहले जो साइटोकाइनिन खोजा गया वो ज़ियाटिन था ज़िया मींस इसीलिए ज़ियाटिन राइट right? नाउ इसके बाद से एनसीईआरटी लिखती है कि ज़ियाटिन की खोज के बाद से कई सारे प्राकृतिक रूप से पेड़ों से साइटोकाइनिन साइंटिस्ट ने खोजे हैं और कुछ लैब में आर्टिफिशियली भी बनाए हैं ऑक्सीजन भी नेचुरल मिलते भी बनाते हैं भी भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसकी डिस्कवरी सबसे मुश्किल है इसलिए वन टू थ्री फोर करके आपको लिखवा रही हूं आई होप आप लोग लिख रहे हो तो स्कूग अकेले की बात हो गई स्कूग मिलर ने मछली में से खोज लिया मिलर जी ने काइनेटिन के क्रिस्टल्स बना लिए और लेथम जी ने जियाटिन और इसके बाद से कई सारे खोजे गए हैं सबको क्लियर हो गया जिस चीज को मुझे एक बार यह से अप भेजो फटाफट से क्योंकि वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट है फिर ही मैं आगे बढ़ूंगी साइफा साक्षी उजैफा रचना मृत्युंजय राजू किरण पुरुषोत्तम साक्षी प्रियांशी शिवा नंदिनी बहुत बढ़िया वेरी गुड अर्शिता चलो अलताफ क्या बात है सावन शेख सोनू प्रियंका बहुत बढ़िया अदिति वेरी गुड ओम प्रकाश बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड मानसी महिला आसान है इथिलीन की खोज कजन्स ने की थी कजन हमारे कजन नहीं है में मेरे भाई कजन्स उन्नीस सौ दस यार लिख लेना बहुत आसान है इन्होंने क्या देखा कि कुछ पके हुए संतरे थे और कुछ कच्चे केले संतरे पके हुए थे उनके साथ कच्चे केले रखे थे वो जल्दी पक गए यानी राइपंड ऑरेंजेस है उनसे अनराइपंड बनाना कि राइपनिंग फास्ट हो गई हैसन जल्दी हो गई उन्हें समझ में आया जरूर इस राइपंड ऑरेंजेस से कुछ गैस निकली है कोई वॉलिटाइल सब्सटेंस निकला है हम जानते भी इथिलीन गैस है जो उस केले में घुस गई जो अभी पका नहीं था और वो केला भी पक गया ये तो बहुत आसान है या ध्यान रखना संतरे पके हुए हैं और केला पका नहीं था जो पकेगा ये उल्टा आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी चल अब आ जाओ अपन आ जाते हैं एप्सिस एसिड की खोज पे डिस्कवरी पे पांचों डिस्कवरी एक साथ पढ़ा रही अब ये भी बहुत आसान है मिड नाइनटीन की बात है तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने एक हार्मोन पेड़ में खोजा जो पेड़ की ग्रोथ इनहिबिट करता था पेड़ को बूढ़ा करता था पत्तियां वगैरह गिरवाता था डॉर्मसी कराता था इनडिपेंडेंट री इनडिपेंडेंट उनके नाम नहीं पढ़ने उन्होंने अपना अपना नाम दिया उस हार्मोन को एक ने कहा इनहिबिटर बी एक ने कहा एप्सिजन टू एक ने कहा डॉर्मिन डॉर्मिन दौर्में क्योंकि डॉर्मिनसी करता है एप्सिजन करता है इनहिबिटर है तो बी देखो ए के बाद बी आता है वन के बाद टू आता है तो बी2 ऐसे याद रख सकते हो बाद में साइंटिस्ट को पता चला कि अरे यार ये तीनों तो सेम है तो फिर इसको फाइनली नाम दिया गया एब्सिसिक एसिड ठीक है इतना क्लियर हो गया चलिए ईयर गिवन नहीं है एनसीईआरटी में ये नहीं दिया ड्यूरिंग मिड 1960 चेक करो एक बार हटा दिया क्या मिड 1960स गिवन या नॉट गिवन यस या नो no? शेख संजय छाया सनी नहीं दिया है हाँ दिया है गिवन नहीं है है नहीं है अरे बाप रे, अच्छा वो यर अलग अलग होगा आप तो याद कर लो है भी और नहीं भी अलग अलग एडिशन में तो याद कर लो ठीक है चल. सो ये तो हमारी खोज हो गई अब आ जाओ इनके फंक्शन याद कराती चल सबसे पहले ऑक्सीजन के फंक्शन याद करवाती एक तो मेरे पास कहानी है और फिर एक ट्रिक है कहानी सुनो ये कहानी एक लड़की जिसका नाम है मोना मोना और मोना की भी नहीं है ये मोना के बालों की कहानी है किसकी है बालों की तो मोना के बाल पेड़ के बाल क्या होते हैं ऐसे बनाते हैं ना जड़ रूट यानी ये रूटिंग हार्मोन है अगर एक स्टेम आपने काटी जैसे गुलाब में आपने एक स्टेम काट ली बचपन में करते थे ना बगल वाली आंटी के यहाँ से गुलाब की स्टेम काट लाए उसको अगर आपने लोअर पार्ट को ऑक्सीजन में डिप करा तो वहां से रूट्स निकल आएंगी तो मोना के बाल यानी रूटिंग हार्मोन इन स्टेम कटिंग ये रूटिंग करा देगा अब मोना के बालों में लगे हैं सुंदर सुंदर फूल यानी ये फ्लावरिंग कराता है किसमें पाइन में फ्लावरिंग और एकदम चिकने बाल है स्मूथ उसमें गुठलियाँ नहीं है यानी सीड नहीं है यानी कि सीडलेस फ्रूट बनवाता है ये पार्थिनो कार्पी सीडलेस फ्रूट टमाटर वैसे टमाटर में कितने सारे बीज होते हैं तो मोना के बाल यानी रूटिंग बालों में गजरा यानी फूल बनवाएगा पाइनएप्पल में और गुठलियां नहीं है यानी सीडलेस फ्रूट टोमेटो में अब बालों को खूब नरिशमेंट चाहिए पानी चाहिए धोने के लिए यानी जाइलम डिफरेंसिएशन में इसका रोल हो गया पानी मतलब जाइलम और बाल बढ़ते रहने चाहिए लंबे होने चाहिए डिवाइड होने चाहिए यानी सेल डिवीजन भी करवाएगा प्रमोटरी है ना तो ऑब्वियसली आप, करवाएगा तो रूटिंग फ्लावरिंग पार्थिनोकार्पी जाइलम डिफरेंसिएशन सेल डिविजन फ्लावरिंग पाइनएप्पल पार्थिनो में पार्थिनोकार्पी टमाटर में अब मुझे बताओ ये ऑप्सीजन करवाएगा कि नहीं करवाएगा देखो यंग लीव फ्लावर को तो नहीं गिरने देगा उसे गिरना भी नहीं चाहिए पर बूढ़ा होने के बाद तो गिरने देगा तो एप्सीजन इन ओल्ड लीव एंड फ्रूट एंड प्रिवेंट एप्सिजन इन यंग लीव एंड फ्रूट हम इसे कैसे याद रखेंगे पुराने बाल झड़ते रहने चाहिए गिरते रहने चाहिए अब मोना सबके सर पे बैठ के दादागिरी करती है पूरा घर उसको सर पे चढ़ा के रखता है आओ इसको समझाती हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए अपाइकल डोमिनेंस, अपाइकल डोमिनेंस ऑक्सिन में लिखो अपाइकल डोमिनेंस, ऑक्सिन, समझो मैं आपको पढ़ा चुकी हूं मॉर्फोलॉजी में कि एक अपाइकल बर्ड होती है या टर्मिनल बर्ड बोल दो जो पेड़ की लंबाई बढ़ाएगी और इधर एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, इन्हें एक्सिलरी बोलो या लेटरल बर्ड्स बोल दो ये पेड़ में ब्रांचिंग करेंगे ये अपन ने पढ़ा है अब ये सर पर दादागिरी कर रही है यानी ऑक्सीजन के कारण जो अपाइकल बर्ड है वो डोमिनेंट है यानी वो इन्हें ग्रो नहीं करने देगी यानी ऑक्सीजन के कारण पेड़ लंबा तो होगा पर झाड़ी जैसा नहीं बनेगा ब्रांचिंग नहीं होगी अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी मान लीजिए आपको चाय के बागान बनाने टी प्लांटेशन तो चाय में तो पत्तियां काम आती हैं और पत्तियों के लिए तो खूब सारी ब्रांचिंग चाहिए झाड़ियां या आपने वो देखा होगा ना गार्डन में अपन जाते हैं तो गार्डन में बीच बीच में पार्क में ऐसी झाड़ियां लगी रहती हैं उनकी हाइट ज्यादा नहीं होती छोटी होती है पर बहुत घनी होती है इसे हेज बोलते हैं हेज मेकिंग हेज मेकिंग अब भाई पे ऑक्सीजन निकलता है पे वो एक्स अपाइकल बर्ड को तो ग्रो करवाता है पेड़ लंबा कराता है पर इन्हें इनहिबिट कर देता है यानी दादागिरी डोमिनेशन चलता है अपाइकल बर्ड का अगर मैं इसकी टिपी हटा दू मैं इसकी टोपी हटा दू यानी मैं डीकैपिटेशन कर दू डीकैपिटेशन अगर मैंने टोपी उड़ा दी तो ऑक्सीजन निकलेगा ही नहीं ऑक्सीजन नहीं निकलेगा तो ये सब इसकी आतंक से डोमिनेशन से आजाद हो जाएंगे तो डीकैपिटेशन ऑफ द प्लांट करवाकर हम अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम कर रहे हैं ओवरकम अपाइकल और यह काम यूज किया जाता है चाय के बागान बनाने में और हेज मेकिंग बनाने में आ गया अब्बास अनुराधा संजय एवरीबडी तो मोना सबके सर पे बैठ के दादागिरी करती है यानी अपाइकल डोमिनेंस ये देखो अपाइकल डोमिनेंस मोना का दिल बहुत बार टूटा है स्टूडेंट्स तो मोना को कपल्स से बड़ा दुश्मनी है वो साथ नहीं देख सकती तो जहां उसको कोई जोड़ा दिखता है ना उनका खून कर देती दादागिरी इतना इतना उसको सर पे चढ़ाया, बिगड़ गई है बिल्कुल बिगड़ गई है मोना तो ये क्या करती है ये जहां भी इसको लड़की और लड़का दिखा साथ साथ ये उनका खून कर देगी खड़ा यानी अगर डायकॉट की वीड अनवांटेड पेड़ कहीं लगे आप ऑक्सीजन का स्प्रे कर दो वो मर जाएंगे डायकॉट की वीडी साइट है डायकॉट की वीडी साइट यस खून ठीक <laughs> है स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है कोई बात नहीं मैं भी आ जाऊंगी स्क्रीनशॉट में ठीक है आगे बढ़े चलिए अब आप इसे इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि फरियाद तुम्हारी पक्का पूरी हो एक्स सी डी बाइक लेने की फरियाद फ्लावरिंग इन पाइन एपल एप्सिजन ऑफ ओल्ड पार्ट रूटिंग ऑन स्टेम कटिंग हेज मेकिंग हरबी साइड यानी वीडी साइड डाइकॉट्स की अपाइकल डोमिनेंस अपाइकल डोमिनेंस पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो टी प्लांटेशन में यूज होता है हेज मेकिंग में यूज होगा डी कैपिटेशन के जाइलम डिफरेंसिएशन एंड सेल डिविजन ऐसे भी याद रख सकते हो एक ही याद रखना या तो कहानी से याद रखना या तो ट्रिक से याद रखना जो याद रखो एक से लर्न करना और उसी से रिवाइज उसी से री रिवाइज बार बार करना चलो अब एक चीज मुझे और लिखवानी है आपको <coughs> हाँ ये एक चीज और लिख लो ये टू फोर डी वाला ऑक्सीजन करता है

तो आप स्टोरी भी याद कर सकते हो आप ट्रिक भी याद कर सकते हो पर एक ही चीज याद करना उसी से लर्न करना बार बार उसी से रिवाइज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है चलो आ जाओ अब जिब्रेलिन देख लेते हैं बहुत आसान है जिब्रेलिन भी ट्रिक से सिखाती हूँ आपको एक गुड स्टूडेंट है मालतीदास बहुत अच्छी स्टूडेंट है गुड स्टूडेंट मालतीदास उसने अप्लाई किया है बी इन जनरल लाइफ साइंसेस आ जाओ समझते हैं अब देखो ये भी प्रमोटर है यानी बुढ़ापा लाएगा कि रोकेगा रोकेगा तो डीले अगर बुढ़ापा धीरे होगा यानी फ्रूट काफी देर तक पेड़ पे रह सकता है वरना बुढ़ापा आता तो फ्रूट गिर जाता पर ये नहीं होने देगा अब बाकी चीजें इसकी सब कैसे रिलेटेड है अभी समझेंगे नाउ जी से जिबरलिन जी से जर्मिनेशन जब भी बीज में अंकुर फूटना है याद रखो जी से जिब्रलिन जी से जर्मिनेशन जी से जिब्रलिन जी से जर्मिनेशन जी से जिब्रलिन जी से जर्मिनेशन पता है क्या होता है इसमें समझो जैसे मान लीजिए कि ये एम्ब्रियो ये सीड है ठीक है इधर इसकी आ, आ, स्टार्च है स्टार्च भरा हुआ है इधर एल्यूरोन लेयर है प्रोटीन वाली मान लो इधर एम्ब्रियो है एम्ब्रियो को इसमें रेडिकल प्रिम्यूल है मुझे एम्ब्रियो को एनर्जी देनी है एटीपी तभी ये काम कर पाएगा एटीपी के लिए मुझे ग्लूकोज चाहिए उसको तोड़ के मुझे एटीपी मिलेगी और ग्लूकोज स्टार्ट से बनाना है मुझे उसके लिए अमाइलेज एंजाइम बनना पड़ेगा तो माल्टोज बनेगा फिर माल्टेज एंजाइम बनाना पड़ेगा तब ग्लूकोज बनेगा तो हम जब बीज मिट्टी में डालते हैं और पानी देते हैं तो इसके अंदर जिब्रिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है और जिब्रेलिक एसिड ऐसे ऐसे जीन्स को एक्टिवेट करता है जो अमाइलेज और माल्टेज बनवाते हैं उसके कारण माल्टोज और फिर ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज का रेस्पिरेशन करके एटीपी बनती है और एटीपी के कारण एम्ब्रियो एक्टिव होता है और फिर रेडिकल प्रिम्यूल बाहर निकलते हैं सीड जर्मिनेशन होता है तो ज से जर्मिनेशन ज से जिब्रेलिन जिब्रेलिन जर्मिनेशन जिब्रेलिन जर्मिनेशन ऑफ सीड हमेशा याद रहेगा अब भाई हम जब बियर बनाएंगे तब क्या होगा देखो ब्रूइंग इंडस्ट्री बियर इंडस्ट्री में बियर बनानी है बियर माल्ट माल्टोज से होता है उसका फर्मेंटेशन कराते थे एल्कोहल फर्मेंटेशन हीस्ट डाल के यानी माल्टोज बनाना है माल्टोज स्टार्ट से बनेगा और अभी मैंने बताया अमाइलेज एंजाइम, जिब्रेलिक एसिड बनवा देगा यानी अगर बियर इंडस्ट्री में आपने जिब्रेलिक एसिड का यूज करा तो जल्दी माल्टिंग प्रोसेस हो जाएगा सो ये हो गया माल्टी मतलब माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री सो जर्मिनेशन ऑफ सीड और माल्टिंग प्रोसेस इंटर रिलेटेड हो गए ठीक है अब नेक्स्ट पढ़ना है हमें इसका बी से बोल्टिंग इसको थोड़ा समझेंगे आज और समझते हैं बोल्टिंग का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स देखो समझो बोल्टिंग जैसे मान लो ये एक पेड़ है इसके नोड पास पास है यानी इंटर नोड शॉर्ट है मैं चाहती हूं कि इसके नोड दूर दूर हो जाए इंटरनोड लंबे लंबे हो जाए इसे बोल्टिंग प्रोसेस कहते हैं तो बोल्टिंग का सिंपल सा मतलब है इंटरनोडल इलोंगेशन अगर आपने जिब्रेलिन का स्प्रे कर दिया तो इंटरनोड लंबा हो जाएगा नोड दूर दूर हो जाएगा पता है क्यों यहां पर इंटर कैलरी होती है ना वो एक्टिवेट हो जाती है पढ़ाए थे ना एनाटमी में उससे लंबा हो जाएगा अब मुझे ये कहां चाहिए भाई देखो मान लो कोई पेड़ है प्लांट जिसकी रोजेट हैबिट है स्टूडेंट इसे रोजेट हैबिट बोलते हैं रोजेट हैबिट मतलब नोड पास पास है इसके दो एग्जाम्पल्स एन टी में दिए हुए हैं कैबेज और बीट बीट रूट ये तो हमें आना ही चाहिए अब देखो इसका और एग्जाम्पल बताती हूँ बोल्टिंग से रिलेटेड देखो अंगूर में क्या होता है अंगूर में ये स्टेम है ये नोड्स हैं अगर नोड बहुत पास पास हैं तो अंगूर भी बहुत पास पास लगेंगे तो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे जिब्रलिन का स्प्रे कर दो ये लंबा हो जाएगा अब बढ़िया दूर दूर अंगूर लगेंगे यानी इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टॉक इन ग्रेप्स अच्छा और देखो भाई गन्ने में तो अपन खाते ही स्टेम है तो गन्ने में अगर मैंने जिब्रेलिन का स्प्रे करा तो नोट दूर दूर यानी गन्ना लंबा हो जाएगा तो इंक्रीज शुगर के इसी से रिलेटेड है बीस एकड़ तक हो जाती है बीस टन पर एकड़ सॉरी बीस टन पर एकड़ ये तक क्वेश्चन आता है और देखो कहां यूज होगा भाई एप्पल क्या होता है एप्पल में आपको पता है हम थैलेमस खाते हैं ऐसे थैलेमस ग्रो कर जाता है याद है? और थैलेमस मैंने क्या सिखाया है फ्लावर के अंदर आपको कि जैसे फ्लावर की डंडी है ये नोड है यही तो सिखाया था थैलेमस था था यही बताया था तो जब थैलेमस बना तो नोड ही तो है इसमें तो मैं इसको अगर इलांगेट कर दूंगी तो एप्पल का साइज और शेप भी तो इम्प्रूव हो जाएगा तो एप्पल का शेप इम्प्रूव हो जाएगा क्योंकि थैलेमस क्या है दो नोड के बीच की जगह ही तो है वो भी बोल्टिंग ही हो रही है तो ये सब बोल्टिंग से रिलेटेड है सब बोल्टिंग से रिलेटेड है देखो हमने इसे ट्रिक में लिख दिया देखो ट्रिक में कैसे लिखा है एस सी एस का मतलब शुगर केन की जील्ड बढ़ा देना ठीक है देन जनरल लाइफ साइंस यानी ग्रेप्स की लेंथ ऑफ द स्टॉक को इंक्रीज कर देना शुगर केन में बीस टन पर एकड़ तक हो गया बीट कैबेज रोज़ेट हैबिट वाले हो गए और अप्लाइड अप्लाइड मतलब एप्पल का शेप इंप्रूव कर देना तो ये बोल्टिंग शुगर केन एप्पल और ये ग्रेप्स ये सारे रिलेटेड पॉइंट्स हो गए ये दोनों रिलेटेड पॉइंट्स हो गए जर्मिनेशन और माल्टिंग वाला अब सी से क्या है समझो सी मतलब कॉनिफर्स कॉनिफर्स मतलब जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं देखो ये ग्रोथ करवाता है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जल्दी करवाएगा तो जल्दी बीज बनेंगे यानी मेच्योरिटी पीरियड जल्दी लाएगा बुढ़ापा धीरे ला रहा है पर रिप्रोडक्टिव एज जल्दी लाएगा तो जल्दी बीज बनेंगे सीड जल्दी बनेगी तो जल्दी जल्दी पेड़ की अगली जनरेशन आएगी कॉनिफर जिम्नोस्पर्म है तो इसमें फूल नहीं लगेंगे ये एंजियोस्पर्म नहीं है फ्लावरिंग प्लांट राइट प्लीज ज्वाइन पीडब्ल्यू पीडब्ल्यू ऑलरेडी ज्वाइन हो चुका है माई डियर स्टूडेंट पूरी ईटूज इंडिया कंपनी मर्ज हो चुकी है वी आर अ पार्ट ऑफ पीडब्ल्यू फैमिली नाउ ठीक है फटाफट पड़ से स्क्रीन ले लो इसे लिखना इसे लर्न करना इसी तरह से लर्न करना कम ऑन स्टूडेंट्स पॉडकास्ट में तो फास्ट ही होगा ना पॉडकास्ट का मतलब ही होता है कि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है बस आप अपने एयरफोन्स या हेडफोन्स लगाओ और फटाफट फटाफट पड़ सुन के आधे घंटे में पौन घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो पॉडकास्ट में पढ़ा थोड़ी रहे अपन पूरा पॉडकास्ट आपको बहुत हेल्प करेगा आखिरी के दस दिन में सात दिन में बहुत मदद करेगा बहुत ज्यादा मदद चलो हो गया एक बार देखिए कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं मिस हुआ मी सी कुछ भी नहीं हुआ चलो अब आ जाओ साइटोकाइनिन पर साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन ये रहा चलो साइटोकाइनिन के लिए भी हमने ट्रिक बना दी हमने बना दी कि सीएम चीफ मिनिस्टर पी मिश्रा दिल्ली से उड़ीसा आए हैं दिल्ली से उड़ीसा हर मंगलवार और शनिवार को दिल्ली से उड़ीसा हर मंगलवार और शनिवार को चलो आ जाओ आज आराधना कह रही थी कि जल्दी रिवीजन हो जाता है ये हेल्पफुल है ओके आराधना चल थैंक यू अब देखो साइटोकाइन नाम ही है तो सेल डिवीजन मोर्फोजिनेसिस मतलब मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर बनाना हमने पढ़ा है कि अगर साइटोकाइन ऑक्सीजन से ज्यादा होगा तो शूट बनेगी ये मतलब है इस बात का ना बुढ़ापा ये भी डिले करेगा दिल्ली से यानी बुढ़ापा डिले करेगा ऑक्सिन जिब्रेलिन साइटोकाइन तीनों प्रमोटर हैं तो तीनों बुढ़ापा डिले करेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है ट्यूजडे मतलब इसे टिश्यू कल्चर में भी यूज करेंगे साइटोकाइन मोर देन ऑक्सिन तो शूट बनाएंगे हमने पढ़ा है साइटोकाइन लेस देन ऑक्सिन तो रूट बनेगी और साइटोकाइन इक्वल टू ऑक्सिन तो कैलस बनेगा ये मैंने अभी आपको खोज के टाइम भी बताया था अब ये न्यूट्रिएंट्स का मोबिलाइजेशन करवाता है इस बात का मतलब समझो एक पत्ती है उसमें न्यूट्रिएंट फ्लोएम के थ्रू पहुंचा देगा तो उसकी बढ़िया ग्रोथ हो जाएगी सो प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन पीएन मिश्रा प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन टीएन मिश्रा अब ये शूट की ग्रोथ कराता है ये तो हमने अभी-अभी पढ़ा कि ऑक्सिन से ज्यादा साइटोकाइनिन है तो शूट बनता है अब समझो ऑक्सिन भी शूट लंबी कराता है पर सिर्फ लंबी कराता है अपाइकल डोमिनेंस के कारण लेटरल ग्रोथ नहीं होती है ये उसका दुश्मन है ये एपिकल डोमिनेंस को रोकता है ओवरकम एपिकल डोमिनेंस यानी अगर साइटोकाइनिन ज्यादा निकलेगा तो अपाइकल बड़ को रोकेगा पेड़ लंबा नहीं होगा पर अब एक्सिलरी लेटरल बड्स की ग्रोथ के कारण लेटरल शूट बनेगी और लेटरल शूट बनेगी तो पत्तियां बनेंगी नहीं नहीं क्योंकि लेटरल शूट्स पर ही पत्तियां हैं या साइड में शूट ग्रो हो रही है आप एडवेंटिशियस शूट भी बोल सकते हो तो लेटरल शूट एडवेंटिशियस शूट पत्तियां बनेंगी और पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट बनेगा तो इसमें कहा मुश्किल है देखो कितना आसान है डियर स्टूडेंट्स कितना आसान है एडवेंटिशियस शूट बनेगी लेटरल शूट बनेगी पत्तियां बनेंगी उसमें क्लोरोप्लास्ट बनेगा आपकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है साइटोकाइनिन दुश्मन है ऑक्सीजन का इस मामले में ठीक है यस मैं अभी भी मेडिकल प्रैक्टिस करती हूँ बिल्कुल मैं आईवीएफ स्पेशलिस्ट टू माई डियर स्टूडेंट सोनू अगर आप दो हजार चौबीस में मुझसे, मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इंडिया e से मतलब इंडिया e की वेबसाइट से कोर्स परचेज कर सकते हैं रिकॉर्डेड राइट चलिए ठीक है right? आगे बढ़ जाए अपन अब यहां एक चीज इंपॉर्टेंट है वन सेकेंड ये सारा हो गया हम्म ये जो न्यूट्रिय मोबालाइज कर रहा है ना तभी तो बुढ़ापा नहीं आएगा इसी के कारण बुढ़ापा नहीं आएगा क्योंकि खाना पहुंचा देता है तो भाई बूढ़े क्यों हो रहे हैं क्योंकि न्यूट्रिय बराबर नहीं मिल रहा तो फटाफट पहुंचा देता है को, दे दूंगी नोट्स का लिंक दे दूंगी आकांक्षा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका गूगल लिंक आ जाएगा हो गया ले लिया सबने स्क्रीनशॉट ले लिया पी क्यू कराएंगे ना पहले थ्योरी तो पढ़ाऊं चैप्टर पढ़ाऊंगी उसके बाद या पीवाई क्यों करेंगे अपन डन आगे बढ़ जाएं चल अब आ जाओ पहले पहले एप्सिस एसिड पढ़ते हैं। पहले एप्सिक एसेडिस एसिड देखो एप्सिस एसिड की ट्रिक क्या है एप्सिस एसिड की ये ट्रिक है कि एक रिजर्व था एक टंकी वो कॉलेज में खुली पड़ी थी तो हम बता रहे हैं कि देखो एक बीडीएस ने इसको बंद कर दिया है प्लीज सी स्टूडेंट क्लोज द वायर देखो प्लीज सी अब ये बुढ़ापा लाएगा ये बुढ़ापा लाएगा क्योंकि एप्सिजिक एसिड है इनिबिटरी है यानी ये एप्सिजन करवाएगा फूल का फल का उनको झड़वाएगा शेडिंग ऑफ करवाएगा तो ये तो कुछ भी मुश्किल नहीं है तो शुरू के दिन बुढ़ापा रोकेंगे झड़ने 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 नहीं नहीं देंगे, ओल्ड पार्ट को देंगे, न्यू को नहीं देंगे, को 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 पर ये कराएगा, प्रमोट ये कराएगा, बुढ़ापा करेगा, 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 अब क्योंकि बाहर होगा, तो यानी की और सीड की डॉ करवाएगा इसमें कौन सी बड़ी बात है तभी तो इसे डॉन बोलते हैं तो जिब्रिक एसिड जर्मिनेशन कराता है और एप्सिस एसिड कराता है उल्टा काम कर रहा है एंटी जिब्रिलिक एसिड है।, है तो प्रोड्यूस होगा जिससे पर अगर प्रतिकूल कंडीशन है तो एप्सिस एसिड प्रोड्यूस होगा जो सीड को डॉर्मेंट कर देगा आ रहा है मजे ठीक है अब देखो अगर स्ट्रेस कंडीशन है पानी की कमी है तो स्टोमेटा क्लोज करना है वो भी यही करेगा तो स्टोमेटा को क्लोज करेगा स्टोमेटा क्लोज स्टूडेंट ने क्लोज किया स्टोमेटा क्लोज जिसके कारण ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा तो इसे एंटी ट्रांसपायरेंट भी बोलते हैं इस कारण हम स्ट्रेस को झेल पाएगा पेड़ चाहे पानी की कमी का स्ट्रेस हो चाहे कोई चोट लग जाए तब भी एप्सेसिक एसिड रिलीज होता है वो सब स्लो डाउन करा देता है उसे चुप बिठा देता है रेस्ट में भेज देता है यानी रिजर्वर मतलब रेजिस्ट स्ट्रेस इसीलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं जब भी पेड़ में कट लगेगा कहीं भी चोट लगेगी कोई बीमारी होगी एप्सिक एसिड निकलता है जो उसे शांत रखवाता है ताकि अपने आप को वो रीजनरेट कर सके तो स्ट्रेस हार्मोन है स्टोमेटा बंद कर देगा ताकि वाटर का लॉस ना हो सीड बड की डॉर्मिंसी कराएगा बुढ़ापा जल्दी लाएगा एप्सिजन कराएगा ये तो बहुत आसान है स्टूडेंट ये तुम जानते हैं सारी इनिबिटरी एक्टिविटीज है ठीक है क्लियर हो गया डन आगे बढ़ जाए चलिए अब आ जाओ इथलीन पर इथिलीन लास्ट में क्यों पढ़ा रही हूं क्योंकि हमने पढ़ा है कि इथिलीन जो है उसमें प्रमोटरी एक्टिविटी भी है और इनहिबिटरी भी है हालांकि बुढ़ापा लाना और एब्सीजन कराना ये इनहिबिटरी है उसकी इसीलिए लार्जली उसे इनहिबिटरी मान रहे हैं चलिए आइए स्टूडेंट्स इथिलीन आ जाओ इथिलीन अब इथिलीन जो है एक लड़की है त्रिशा वो बैठी टांग पीस बैठ के उसने ब्रेड ली ब्रेड पे उसने पीनट बटर लगाया मूंगफली पीनट बटर आलू लगाए उबाल के राइट पक्के आलू तो त्रिशा सैट एंड एडेड सम राइप पोटैटो एंड पीनट बटर ऑन ब्रेड आ जाओ इसको समझते हैं देखो पहले तो ये एप्सिजन करवाएगा ये तो इसका एप्सिसिक एसिड जैसा है और बुढ़ापा भी लाएगा दोनों काम करेगा ये दोनों काम इसके लाइक एप्सिसिक एसिड है इसीलिए मेजरली कहते हैं अब मजेदार चीज सुनो मान लो आपको अखरोट का पेड़ है आपको अखरोट तोड़ने हैं अब आप अखरोट की अखरोट के पेड़ पे ना बहुत सारे अखरोट होते हैं तो एक एक अखरोट तो चुनोगे नहीं आप क्या करो इथिलीन का स्प्रे कर दो एक साथ सारे अखरोट गिराते हैं एप्सिजन हो जाता है इसे कहते हैं थिनिंग ऑफ वॉलनट तो कॉटन चेरी और वॉलनट की थिनिंग यानी यही रोल प्ले करता है ऐसा लिखा रहता है थिनिंग करके लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है वो आपको समझाया तो ये रोल हो गया अपने ठीक है आगे बढ़ जाएं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इथिलीन हमने खोज कैसे करी थी इसकी कि पके हुए संतरे से कच्चे केले पक गए यानी राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स पर हर फ्रूट नहीं क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स क्लाइमैट मैट्रिक फ्रूट्स की राइपनिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका यूनिक कैरेक्टर है स्पेशली दो एग्जाम्पल्स दिए टोमैटो एंड एप्पल मालूम है क्लाइमैट्रिक फ्रूट्स क्या होते हैं जिन्हें राइपनिंग पकने के समय बहुत ज्यादा एटीपी चाहिए होती है उन्हें बोलते हैं टोमैटो एंड एप्पल ये याद होने चाहिए चलो अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं अपन अब इसके कुछ फीचर्स जो है कुछ फीचर्स वो एसिड जैसे हमने कहा था ना कुछ प्रमोटरी भी है जैसे आलू में अंडरग्राउंड स्टेम है ट्यूबर उसमें पेड़ स्प्राउटिंग करवाना जर्मिनेशन करवाना पीनट मूंगफली की सीड में जर्मिनेशन करवाना और बड़ और सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करना एब्सिसिक एसिड डोरमेंसी करवाता है पर ये तोड़ेगा यानी जर्मिनेशन करवाएगा तो ये सारे इसके लाइक जिबरेलिक एसिड लाइक जिबरेलिक एसिड यानी प्रमोटरी एक्टिविटी भी है इनहिबिटरी एक्टिविटी भी है खुद के कुछ यूनिक कैरेक्टर्स भी हैं ये एज इट इज एग्जांपल्स आने चाहिए और यही नहीं माय डियर स्टूडेंट अलग से लिखवा दूंगी मैं अभी आपको इसके अलावा ये क्या करता है जो पानी में डूबे हुए चावल के पेड़ है न? उनमें पीटियोल लंबा करा देता है तो उसकी पत्तियां पानी के सरफेस के ऊपर आ जाती हैं ये बोल्टिंग जैसा है इंटरनोड एलोंगेशन भी करवाएगा ये अभी हम देखेंगे तो इसकी कुछ एक्टिविटी इनिबिटरी कुछ एक्टिविटी जो है वो जिब्रेलिक जैसी यानी कि प्रमोटरी है चलो आ जाओ एक बार बताती हूं आपको वन सेकेंड क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स हो गया टोमेटो एप्पल एप्सिजन हो गया एप्सिजन करवाएगा बुढ़ापा भी लाएगा ठीक है अब ब्रेक डॉमेंसी हो गया पोटैटो हो गया पीनट हो गया ये वाला हो गया चलो ये वाला लिखिए नेक्स्ट लिखो अलग से लिखो डीप वाटर राइज प्लांट्स पानी में जो चावल चावल देखा होगा चावल की क्यारियां बनती है पानी खूब रहता है उसमें इंटर नोड या पीटीओल को लंबा कर देगा बोल्टिंग ये भी कैसा एक्शन है लाइक जिब्रलिक एसिड जिब्रलिक एसिड बोल्टिंग करता था जिसके कारण से उसकी पत्तियां उसकी स्टेम पानी के ऊपर आ जाएगी उसी ट्रिक में ऐड करना उसी ट्रिक में ऐड करिएगा नीचे लिख लिख लेना एक्स्ट्रा पॉइंट्स को और पढ़ते हैं। अब ये में फ्लावरिंग भी करवाएगा आप समझो पाइन में फ्लावरिंग ये काम तो लाइक ऑक्सीजन है ऑक्सीजन भी करवाता था याद है मोना के बालों में फूल लगे थे लेकिन ये ना सिर्फ फूल बल्कि फल भी एक साथ बनवाएगा ऐसा नहीं कि आज दस फूल के फल बन गए पंद्रह दिन बाद फिर से अलग दस फूल के फल बनेंगे नहीं एक साथ तो इनिशियट फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइज सामंजस्य बिठाएगा नेक्स्ट मैंगो में फ्लावरिंग करवाएगा मैंगो में फ्लावरिंग सब लिखो नाउ खीरे में फ्लावर्स बनवाएगा फीमेल फ्लावर और हम जानते हैं फीमेल फ्लावर में ओवरी होते हैं उसी से फ्रूट बनता है फ्रूट बनवाएगा और खीरे में फ्रूट ही तो है जो हम खाते हैं यानी खीरे की फसल बढ़ा देगा खीरे की फसल बढ़ा देगा ठीक है सब लिखो देखो इसीलिए आखिरी में पढ़ा रही हूं इतलीन क्योंकि उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं तो एप्सिस एसिड की तरह ये एप्सिजन और सेनेसेंस बुढ़ापा लाएगा और झड़वाएगा इसीलिए थिनिंग ऑफ कॉटन चेरी और वॉलनट में यूज कर रहे हैं एसिड की तरह ये पीनट सीड जर्मिनेशन मूंगफली पोटैटो ट्यूबर जर्मिनेशन एंड बर्ड एंड सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करना और डीप वाटर राइस प्लांट्स में बोल्टिंग करवाना वो करेगा और फ्लावरिंग इनिशिएट करेगा ऑक्सीजन की तरह पाइनएप्पल में प्लस प्लस फ्रूट सेट भी सिंक्रोनाइज करेगा आम में भी फ्लावरिंग इनिशिएट करेगा खीरे में फीमेल फ्लावर यानी फ्रूट यानी उसकी फसल बढ़ाएगा ठीक है नोट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स थोड़ी देर में चलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट लेटरल रूट ग्रोथ करवाएगा लेटरल रूट ग्रोथ वैसे रूट ग्रोथ किसका काम है लंबी करना ऑक्सिन का तो ये भी थोड़ा थोड़ा लाइक ऑक्सीजन है पर एडवेंटिशियस तो शूट भी एडवेंटिशियस ग्रो करवा रहा है और रूट भी एडवेंटिशियस ग्रो करा रहा है यही नहीं रूट हेयर भी बनवाएगा ताकि एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ जाए तो रूट लंबी ऑक्सीजन कर रहा है पर लेटरल रूट जो सेकेंडरी टर्शरी रूट्स से हैं वो ये बनवाएगा तो ध्यान रखना रूट और शूट लंबा ऑक्सीजन करता है लेकिन जो लेटरल शूट लेटरल रूट है वो ये करवाएगा इतनी ठीक है क्लियर हो गया अच्छे से डन सो so, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब समझो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये त्रिशा सेट तो आपको सिखाया नहीं समझिए जब भी डायकॉट की सीडलिंग होगी ना डायकॉट की सीडलिंग उसमें जब इथिलीन निकलता है तो तीन चीजें देखने को मिलती है एक तो उसकी स्वेलिंग हो जाती है फूल जाती है वो सीडलिंग फूल जाएगी सीड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करेगी भाई फूलेगी अगर तो हॉरिजोंटली तो ग्रोथ करेगी ऐसी हो। और हुक बन जाता है रक्षा करने के लिए वन टू थ्री इसे ट्रिपल रिस्पॉन्स कहते हैं इसी से पता लग जाता है कि ये इथिलीन है जितना ये सब कुछ ज्यादा होगा उतना ज्यादा इथलीन निकल रहा है ठीक है डन नीट एस्पिरेंट अगर आपको समझ नहीं आई थिंक आपने पढ़ा नहीं है पूरे साल अगर पूरे साल पढ़ा नहीं है तो फिर अब एकदम से कैसे पढ़ाऊँ आपको मैं फिर ये फिर ये काम नहीं आएगा अभी आपके क्योंकि आज की क्लास में मैं जिसको पढ़ा है उसको समझ में आएगा वरना आपको दोबारा से एक बार अच्छे से पढ़ो इसको दो तीन बार सुनो तो याद हो जाए है ना ठीक है देखो बाकियों को समझ आ रहा है क्योंकि इन लोगों ने पढ़ा है पूरे साल आ जाएगा घबराओ मत दो तीन बार पढ़ोगे आ जाएगा डॉर्मेंसी क्या है ओम प्रकाश अरे यार डॉर्मेंसी क्या होता है बाहर प्रतिकूल परिस्थिति है अभी बीज से अंकुर नहीं निकालना है तो एम्ब्रियो सारा पानी लूज कर देता है मेटाबॉलिक रेट एकदम डाउन हो जाती है और ऐसा समझ लो बीज सो गया एम्ब्रियो सो गया ऐसा लगेगा आप भूल रहे हो कुछ मत करो पांच ट्रिक्स एक साथ लिखो कॉपी में चार पांच दिन तक रोज रिवाइज करना ऑक्सिन जिब्रलिन साइटोकाइनिन एप्सिस एसिड और इथिलीन और ये सब एक साथ बार बार पढ़ना पांच छह दिन तक लगातार करो आपको अपने आप सब कुछ याद हो जाएगा स्टूडेंट्स सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द हॉर्मोन्स अब एक क्वेश्चन आता है कि इथिलीन तो गैस है ना मैं आपसे कह रही हूं इथिलीन का स्प्रे कर दो तो गैस का थोड़ी स्प्रे करेंगे चलिए सब लोग एनसीआरटी निकालो अपनी निकालो एनसीआरटी एनसीआरडी क्लियरली लिखती है कि इथलीन जो है वो एक लिक्विड फॉर्म में मिलता है इथेफॉन कहते हैं उसे गैस का बना दिया है ये पानी डाला जाता है मिट्टी में जड़ पानी को एब्जॉर्ब करेगी और फिर वो पेड़ के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और समय समय पे वो गैस उसमें से रिलीज होती रहेगी तो ये हमें अच्छे से आना चाहिए ठीक है यस इथेफॉन आना चाहिए कर लिया अच्छा कंप्लीट कर लिया बहुत बढ़िया थैंक यू थैंक यू बहुत अच्छे से समझ आ रहा है वेरी गुड ट्रिपल 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 टेस्ट ट्रिपल। तीन चीजें होंगी सैट मतलब स्वेलिंग अपाइकल हुक बनेगा और यानी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगी डायकॉट की सीडलिंग में इसके कारण चलिए सो so, ये सब कंप्लीट हो गया अब आ जाओ स्टूडेंट्स हम फोटो पीरियोडिज्म वर्नलाइजेशन और सीड डॉर्मेंसी की बात करते हैं यानी हम क्या कह सकते हैं अगर हम एनसीआरटी की बात करें ध्यान से सब लोग एनसीआरटी ओपन करो पांचों हॉर्मोन्स के बाद देखो निकालो देखो हम क्या कह सकते हैं कि कुछ हॉर्मोन्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं जैसे इथिलीन भी कुछ चीजों में जर्मिनेशन करा रहा है और जिब्रेलिक एसिड भी जर्मिनेशन करा रहा है जैसे एप्सिक एसिड भी पत्ती झड़वा रहा है बुढ़ापा ला रहा है इथिलीन भी ये काम कर रहा है और कुछ जगह पे वो एंटागोनिस्टिक उल्टा काम कर रहे हैं जैसे एसिड एसिड डॉर्मेंसी कर रहा है, रहा है है जर्मिनेट होने से रोक उसे प्रमोट कर रहा है जैसे अपाइकल डोमिनेंस ऑक्सीजन करवा रहा है साइटोकाइन उसे रोक रहा है यानी या तो अकेले का काम है कुछ काम अकेले कर रहे हैं कुछ मिलके कर रहे हैं मिलके भी कुछ साथ साथ मिलके कर रहे हैं कुछ उल्टा कर रहे हैं यानी एक या एक से ज्यादा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं वो इंटरैक्ट करते हैं डन आगे ये लाइन समझ में अच्छे से चलिए अब यानी पीजीआर तो इंटरसिक है हम जानते हैं और इंट्रेंसिक में भी दो सेल के बीच यानी इंटरसेल्यूलर फैक्टर है इसके अलावा इंट्रा सेल्यूलर में हम जेनेटिक्स ऑलरेडी देखते हैं जीन्स डिसाइड करेंगे हमने कहा था कि प्लांट के डेवलपमेंट को दो चीजें डिसाइड करवाएंगी एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर इंटरनल में हॉर्मोन्स थे इंटर और जीन्स थे इंटर इंट्रा इसके अलावा एक्सट्रेंसिक हो जाएगा ये दोनों इंट्रेंसिक हो गए एक्सट्रेंसिक में मेन क्या है टेम्परेचर और लाइट हमने पढ़ा है बाकी वाटर न्यूट्रिय ऑक्सीजन ग्रेविटी वो तो सब है ही पर टेम्परेचर और लाइट अब हम समझेंगे स्टूडेंट्स कि टेम्परेचर और लाइट जो है वो फूल खिलाने में रोल प्ले करेगी कुछ पेड़ों के फूल केवल गर्मियों में आएंगे जब कम धूप होती है कुछ के सर्दियों में आएंगे गर्मियों में जब ज्यादा धूप होती है सर्दियों में जब कम धूप होती है और कुछ के सदा बाहर पूरे साल आते हैं धूप से फर्क नहीं पड़ता कितनी है देन डॉर्मेंसी में टेम्परेचर लाइट का रोल है बहुत गर्मी है या बहुत सर्दी है तो भी डॉर्मेंसी में चली जाती है सीड जर्मिनेशन में भी रोल है अनुकूल फेवरेबल लाइट और टेम्परेचर में ही जर्मिनेशन होगा और प्लांट के मूवमेंट्स में भी तो रोल है लाइट की तरफ स्टेम जाएगी लाइट से दूर रूट जाएगी आ रहा है समझ में एंड वर्नलाइजेशन ये अभी नहीं सिखाया मैंने आपको ये अभी सिखाऊंगी थोड़ी देर में चल तो अब आइए हम सबसे पहले इसका इसमें हमें तीन टॉपिक पढ़ने हैं फोटोपीरियोडिज्म पढ़ना है हमें वर्नलाइजेशन पढ़ना है और हमें सीड डॉर्मेंसी पढ़नी है तो आइए पहले हम फोटो पीरियोडिज्म पढ़ते हैं बहुत आसान टॉपिक है माई डियर स्टूडेंट्स बहुत आसान चल देखो फोटो मतलब लाइट और पीरियड मतलब लाइट का समय कितनी देर लाइट दे रहे हैं केवल लाइट मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है लाइट कितनी देर मिल रही है सो ड्यूरेशन ऑफ लाइट और थोड़ी देर में देखेंगे केवल लाइट नहीं अंधेरा इनका कॉम्बिनेशन देखा जाएगा उससे फूल खिलना डिसाइड होगा फ्लावरिंग कि फूल कब खिलेंगे उससे डिसाइड होगा अब समझो फूल कब खिलता है इस बेसिक को समझो पीवाई क्यू भी आया है अभी इस पर सपोज करो ये एक पेड़ है ये उस पर एक नोड है यहां पर एक पत्ती लगी हुई है ये इसका टिप है यानी ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम मैं चाहती हूं कि यहां पर एक फूल लग जाए तो मुझे इसे फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट करना है मतलब ऐसे सेल्स जिनसे फूल बने फ्लोरल अपाइसिस में कन्वर्ट करना है ऐसा कह दो फ्लोरल अपाइसिस एनसीआर ऐसे लिखती है इसके लिए वैज्ञानिक बोलते हैं कि एक हॉर्मोन चाहिए फ्लोरिजिन फ्लोरी मतलब फूल फूल बनवाए यानी फ्लोरिजिन हार्मोन हालांकि ये काल्पनिक है हाइपोथेटिकल अभी तक इसे पेड़ से खोजा नहीं गया है हाइपोथेटिकल है भाई अगर कोई फूल लाइट के ड्यूरेशन पे डिपेंड करेगा उसका खिलना मतलब ये प्रक्रिया भी उस पर डिपेंड करेगी कि कितनी देर लाइट मिल रही है यानी पेड़ को पता होना चाहिए मुझे कितनी देर लाइट मिल रही है यानी पेड़ के अंदर घड़ी लगी होनी चाहिए अब लाइट कौन पकड़ता है पेड़ में पिगमेंट और पिगमेंट तो पत्ती में होते हैं तो लीव के अंदर क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड वो तो सब है ही खाना बनाने के लिए साथ में एक स्पेशल पिगमेंट होता है फाइटोक्रोम फाइटोक्रोम पिगमेंट है प्रोटीन है पिगमेंट ये लाइट को पकड़ सकता है लाइट और जब इसको पर्याप्त लाइट मिलेगी जैसा भी चाहे उसे ज्यादा धूप चाहिए कम धूप चाहिए जितनी भी चाहिए तब यह फ्लोरिजेन हार्मोन बनवा देगा और फ्लोरिजिनोयम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके यहां पहुंचा दिया जाएगा और ये इसे इसमें कन्वर्ट कर देगा यानी पीवाई क्यू ये आया था कि लाइट को कौन परसीव करता है लाइट को कौन पकड़ता है पेड़ के अंदर लीफ मैच्योर लीफ उसके अंदर का फाइटोक्रोम नाम फाइटो मतलब पेड़ के अंदर मिलने वाला क्रोमा यानी कलर्ड पिगमेंट ठीक है अब आ, ये जो फाइटोक्रोम है ये दो फॉर्म्स में मिलता है पीआर और पीएफआर आर मतलब ये रेड लाइट एब्जॉर्ब करेगा और पी एफ आर में चेंज हो जाएगा और पी एफ आर फार रेड लाइट एब्जॉर्ब करेगा और फार रेड मतलब विजिबल नहीं है विजिबल क्या होता है विब रेड तक ही हम देख सकते हैं ना हम वॉयलेट से कम वेवलेंथ देख सकते हैं अल्ट्रा वॉयलेट जैसे ना हम रेड के बाद देख सकते हैं यानी बेसिकली डार्कनेस में ऐसा होगा ये इंटरकन्वर्टेबल होते रहते हैं ठीक है अब तीन तरह के पेड़ होंगे ध्यान से समझो देखो तीन तरह के पेड़ कैसे होंगे पेड़ के अंदर एक शब्द आता है क्रिटिकल पीरियड क्रिटिकल पीरियड का मतलब होता है कि अगर किसी पेड़ को कम धूप चाहिए मतलब क्रिटिकल पीरियड से कम लाइट चाहिए यानी उसे धूप कम देर चाहिए यानी उसे छोटे दिन चाहिए तो उन्हें शॉर्ट डे प्लांट्स बोलते हैं इन्हें लाइट क्रिटिकल पीरियड से कम चाहिए जैसे मान लो स्पीशीज के लिए क्रिटिकल पीरियड दस घंटे है तो दस घंटे से कम लाइट मिलेगी तो ही फूल खिलेगा दस घंटे से ज्यादा लाइट मिलेगी तो फूल नहीं खिलेगा अब अगर ये लॉन्ग डे प्लांट है तो इसे क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा लाइट चाहिए मतलब अगर 10 घंटे क्रिटिकल पीरियड है तो उसे ग्यारह घंटे बारह घंटे तेरह घंटे दस घंटे से ज्यादा चाहिए और कुछ है जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता यानी डे न्यूटर प्लांट न्यूट्रल है नो को रिलेशन विथ लाइट विथ लाइट ड्यूरेशन यानी इनके फूल पूरे साल आएंगे सर्दी में भी गर्मी में भी पूरे साल आएंगे पूरे साल, आएंगे। पूरे साल आएंगे। अब समझो शॉर्ट डे के फूल कब आएंगे शॉर्ट डे के जब दिन छोटे हैं दिन छोटे कब होते हैं पतझड़ जब आ जा रहा है और सर्दियां आ रही हैं यानी इनकी जो फ्लावरिंग होगी वो लेट ऑटम पतझड़ मतलब अगस्त सितंबर वाला समय जो है सितंबर अक्टूबर फिर विंटर्स में और इनके फूल जब दिन लंबा है यानी अर्ली स्प्रिंग से लेकर स्प्रिंग बाहर यानी फरवरी मार्च से लेकर और पूरी गर्मियों में बढ़िया फूल और इनके फूल तो पूरे साल फुल ईयर आएंगे फुल ईयर आएंगे इतना समझ में आया बेसिक समझ में आया ठीक है वर्नलाइजेशन नहीं पढ़ा रही हूं मैं फोटो पीरियोडिज्म पढ़ा रही हूं चलो अब एनसीआरटी ने इस चीज को कैसे लिखा हुआ है देखो ऐसे दिया हुआ है ये डायग्राम देखो यहां इन्होंने क्या कहा है कि ये क्रिटिकल पीरियड है मान लो इस स्पीशीज का इससे नीचे अगर दोगे तो फूल नहीं खिल रहा और इससे ज्यादा दोगे तो फूल खिल रहा है मतलब इससे ज्यादा देने पे फूल खिल रहा है मतलब ये लॉन्ग डे और ये कोई दूसरी स्पीशीज है इसमें मान लो इतना क्रिटिकल पीरियड है इससे ज्यादा दोगे तो फूल नहीं खिल रहा इससे कम देने पे फूल खिल रहा है यानी कम लाइट चाहिए यानी शॉर्ट डे है और इसका ये डे न्यूट्रल है इसका कोई लेना देना नहीं है बस वेजिटेटिव मेच्योरिटी आने के बाद पूरे साल कभी भी फूल खिल सकता है क्लियर हो गया अच्छे से चल तो अब क्रिटिकल पीरियड डिफरेंट होगा डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के लिए किसी पेड़ में हो सकता है 10 घंटे क्रिटिकल पीरियड है किसी में 14 घंटे क्रिटिकल पीरियड है उस स्पीशीज में अगर वो शॉर्ट डे है तो 14 घंटे से कम लाइट चाहिए तो फूल खिलेगा अगर लॉन्ग डे है तो 14 घंटे से ज्यादा लाइट चाहिए तो फूल खिलेगा चल अब आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं अपन अब एक मजेदार चीज सिखाती हूं आपको देखो समझो शॉर्ट डे और लॉन्ग डे कैसे सीखेंगे अपन क्यों सीख रहे हैं अपन समझो और मैंने आपसे कहा केवल लाइट नहीं अंधेरे की ड्यूरेशन भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग डे मतलब इन्हें खूब लंबा दिन चाहिए मतलब ये बहुत एक्टिव हैं, खूब काम करने वाले हैं और ये घोड़े बेच के सोने वाले हैं शॉर्ट डे यानी लंबी रात चाहिए इन्हें ये आलसी है ऐसे याद रखो आलसी अब देखो पहली सिचुएशन मान लो ये पूरा दिन है चौबीस घंटे का मान लो इतना क्रिटिकल पीरियड है मैंने इन्हें इतनी सी लाइट दी इतनी देर क्रिटिकल पीरियड से कम और बाकी पूरा मैंने इन्हें अंधेरा दे दिया ये पूरा अंधेरा है तो फूल खिलेंगे क्या तो आलसी है ना आपने सोने दिया तो फूल खिलेंगे और इनको ऐसा करोगे नहीं इनको तो काम करना है इनको बहुत लाइट चाहिए इनको ऐसा करोगे छोटा दिन दोगे तो फूल नहीं खिलेंगे ना सिचुएशन नंबर टू सपोज मैंने इसका उल्टा कर दिया ये क्रिटिकल पीरियड है और मैंने इन्हें खूब देर तक लाइट दे दी और बस थोड़ी देर सोने दिया तो ये बहुत गुस्सा हो जाएंगे क्या यार सोने ही नहीं दे रहे हो बाढ़ में जाओ यार मैं नहीं खिला रहा तुम्हारे फूल ये लो पर ये तो खुश हो जाएंगे तो एक्टिव है तो बहुत काम करते हैं तो ये फटाफट फूल खिला देंगे आप ये तो आपको मैम आपने में पहले ही सिखा दिया बिल्कुल सही बात है अब मजे देखो मजे देखो ठीक है तैयार हो मजे देखने के लिए देखो सपोज करो कि मैंने इसको थोड़ा सा लाइट दी थोड़ा सा ज्यादा लाइट नहीं दी ये क्रिटिकल पीरियड था मैं इसको पूरा टाइम सोने दूंगी बस बीच में मैंने इसको बोला कि यार रात को ना पांच दस मिनट को जग जाना बस ज्यादा नहीं पांच दस मिनट को मतलब ये पूरा डार्क है पूरा इतना डार्क दिया बस मैंने पांच मिनट को लाइट मार दी इतनी सी देर को लाइट दे दी फिर डार्क दे दिया फिर सोने दिया बोलो क्या होगा स्टूडेंट ये बहुत आलसी है ही बोलता है मुझे तुमने पांच मिनट भी क्यों जगाया मैं पांच मिनट भी नहीं जगूंगा अब मैं तुम्हारा फूल नहीं खिलाऊंगा यानी इसे केवल ऐसा नहीं है कि लंबी रात चाहिए इसे लगातार लंबी रात चाहिए अन इंटरप्टेड डार्क पीरियड चाहिए इसीलिए केवल भाई लाइट तो अभी भी कम दे रहे हैं पर टोटल मिला के क्रिटिकल पीरियड से पर फिर भी पूल नहीं खिल रहा क्योंकि इसे लगातार अंधेरा भी चाहिए यह मतलब है और ये तो खुश है ये बोलते हैं कोई बात नहीं तुम मुझे कुल मिलाकर अच्छी खासी क्रिटिकल पीरियड से लाइट दे दो भले ही टुकड़ों टुकड़ों में दे दो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बीच बीच में सुला के दे दो जाए मैं फूल खिला दूंगा आया समझ में यानी लॉन्ग डे बहुत एक्टिव है एक साथ पूरी क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा दे दो या टुकड़ों में दे दो फूल खिल जाएगा और शॉर्ट डे बहुत आलसी हैं, उन्हें तो क्रिटिकल पीरियड से कम और लगातार लंबी रात चाहिए, बीच में जरा सी भी लाइट दी तो गड़बड़ हो जाएगा ये तो याद करने का तरीका बता दिया अभी होता क्यों है एक्चुअली पी आर पी एफ आर में लाइट में चेंज होता है और अंधेरे में पी एफ आर पी आर में चेंज होता है इस कन्वर्जन की डिटेल में मैं यहाँ नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी ये वन शॉट चल रहा है बस इतना समझ लो कि पी एफ आर एक्टिव फॉर्म है यानी जो एक्टिव है पी होगा। और जो बिचारे, एक, बिचारे तो के एक्टिव नहीं है उनमें पी एफ आर कम होगा एम्स में जब अलग से पेपर होता था क्वेश्चन आया है कि पी एफ आर एक्टिव फॉर्म है अगर पी एफ आर ज्यादा बन रहा है जितनी लाइट उतना पीएफआर बनेगा उतना क्योंकि पी आर पी एफ आर में चेंज होता है ना लाइट में तो पी एफ आर एक्टिव है तो एक्टिव में फूल खिलेगा ठीक है इससे ज्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़नी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके यहां से चलिए अब आ जाओ अपन आ जाते हैं वर्नलाइजेशन अच्छा ये पता है क्यों यूज करते हैं भाई देखो एक पेड़ है आ, लॉन्ग डे प्लांट अभी सर्दी आए सर्दियां प्राकृतिक रूप से उसमें फूल नहीं आते मैंने क्या किया देखो सुनो मैंने क्या किया मैंने उसे टुकड़ों में लाइट दे दी आर्टिफिशियली फूल आ गए मैंने गर्मियों में उसके फूल खिला दिए जबकि सर्दियों में फूल खिला दिए अपनी इस नॉलेज से वरना लगातार मैं उसे दिन नहीं दे पा रही हूं पर रात में मैंने आर्टिफिशियली लाइट दे दे के फूल खिला दिए तो ऐसे करके इसको यूज करते हैं ठीक है चल अब आ जाओ वर्नलाइजेशन पे बड़ा मजेदार टॉपिक है वर्नलाइजेशन भी एग्जाम्पल से समझाती हूं बनाओ मेरे साथ बनाइएगा मेरे साथ चल वीट बार्ले राइस वीट बार्ले एंड राइ राइस नहीं राइ बीएमडब्ल्यू नहीं बी से याद रख बी बीआरडब्ल्यू। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं अब समझो इनमें क्या होता है मैं गेहूं की बात करती हूं इसकी दो वेराइटीज हैं और दोनों बढ़िया फसल देती हैं हाई यील्डिंग वैराइटीज़ एक वेराइटी जो है उसे जब बाहर आने वाली है यानी अर्ली स्प्रिंग स्प्रिंग मान लो आप तो उसमें बोते हैं सो इन स्प्रिंग या प्लांट इन स्प्रिंग यानी फरवरी मार्च में फरवरी मार्च में आपने बीज बोया रूट आई शूट आई स्टेम आई लीफ आई सब कुछ हुआ फूल भी आ गया और फूल से फल बन गया दो तीन महीने के अंदर अंदर यानी फ्लावर एंड फ्रूटिंग बाय एंड ऑफ सीजन एंड ऑफ सीजन मतलब समर गर्मी तक यानी वो अप्रैल, अप्रैल तक यानी फरवरी में बोया मान लो तो अप्रैल में मुझे फसल मिल गई दो तीन महीने मेरे को खेती करनी पड़ी मेरे को फसल मिल गई इसे स्प्रिंग वेराइटी बोलते हैं स्प्रिंग में सो करते अब इसी गेहूं की एक वेराइटी है विंटर वैरायटी उसे अगर आपने स्प्रिंग में उसका बीज डाला तो सुनो क्या होगा समर में फसल नहीं मिलेगी पतझड़ आएगा तब भी फसल नहीं मिलेगी सर्दियां आएंगी तब भी फसल नहीं मिलेगी अगली बहार में जाके फसल मिलेगी तो वो चार मौसम एक साल हो गया अगले साल बहार में जाके मिलेगी तो साइंटिस्ट क्या करते हैं इतने साल क्यों इतनी समय तक क्यों उसको बो के रखेंगे सर्दियां पहले उसे बोते हैं यानी प्लांटेड इन या सो इन लेट ऑटम ऑटम में सो करते सितंबर अक्टूबर में मान लो ठीक है फिर विंटर जब आता है सर्दियां तो ठंडी पड़ती है तो उसमें से स्प्राउटिंग जर्मिनेशन होता है यानी विंटर्स में उसमें से सीडलिंग निकलती है जर्मिनेशन होने लगता है विंटर विंटर मतलब जब ठंड पड़ती है लो टेम्परेचर के कारण और फिर स्प्रिंग आते आते तक हमें फ्लावर और फ्रूट मिल जाता है यानी वही फरवरी मार्च तक यानी मुझे इसको सितंबर में बोया सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च मतलब ऑलमोस्ट छ सात महीने में जाके फसल मिलती है अब साइंटिस्ट ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि यार ये बीज सॉरी ये वाला बीज अगर इस समय बो दू फरवरी मार्च में तो क्यों फसल नहीं मिल रही है तो उन्हें समझ आया ये सर्दी के कारण है ये सर्दी का इंतजार कर रही थी ये बीज यानी सीड के जर्मिनेशन पर जो लो टेम्परेचर का अफेक्ट है उसे वर्नलाइजेशन कहते हैं आया मजा उसे वर्नलाइजेशन बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स तो साइंटिस्ट ने सोचा एक काम करते हैं ना अपन अपन इस बीज को आर्टिफिशियली लो टेम्परेचर दे देते हैं ये जो विंटर वेराइटी की सीड है मैं इसे लैब में आर्टिफिशियली लो टेम्परेचर दे देती हूं ठीक है तो ये spring variety में चेंज हो जाएगी मतलब अब मैंने इसे ठंडा तो ऑलरेडी दे दिया तो अब जब मैं इसको स्प्रिंग में डालूंगी तो वही दो तीन महीने में फसल हो जाएगी मतलब ये स्प्रिंग और समर तक आते आते ना इसको आप एंड ऑफ सीजन भी लिख सकते हो एंड ऑफ सीजन वही अप्रैल तक आते आते फसल मिल जाती है यानी आर्टिफिशियली लो टेम्परेचर देने से वर्नलाइजेशन से मैंने दो काम करे एक तो अब मैं इस बीज को क्योंकि मैंने आर्टिफिशियली ठंडी दे दी है स्प्रिंग वैरायटी में चेंज कर दिया और दूसरा ठंड के कारण बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण कभी कभी वो बीज मर भी जाता मैंने उसे भी बचा लिया इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स मैं बाइनियल पेड़ को एनुअल पेड़ में कन्वर्ट भी कर रही हूँ इसी तरह से कर सकती हूँ एनुअल मतलब एक सीजन में जिसकी साइकिल है ये जैसे एनुअल है तीन चार महीने में फसल मिल गई ये बाइनियल है स्प्रिंग में डालोगे तो अगले स्प्रिंग मा, समर में जाके फसल मिलेगी दो साल दो सीजन तो बाइनियल को एनुअल में चेंज कर सकते हो आर्टिफिशियली लो टेम्परेचर वर्नलाइजेशन देके या स्प्रिंग विंटर वेराइटी को स्प्रिंग वेराइटी में चेंज कर सकते हैं आया समझ अच्छे से मजे आए चलो सो so, यही जो अफेक्ट है ये देखो वर्नलाइजेशन मतलब लो टेम्परेचर जो चाहिए तब जाकर बीज और बीज के बाद फाइनली फ्लावरिंग होगी तो लाइट के ड्यूरेशन का जो असर है फूल खिलने पर वो फोटोपीरियोडिज्म और लो टेम्परेचर ठंडी का जो असर है रिक्वायरमेंट है वो वर्नलाइजेशन है अच्छे से समझ आया जैसे मुझे याद है स्टूडेंट्स में एक बार अपने मैं अपनी गाड़ी से जा रही थी तो मेरे ड्राइवर ने मुझे बोला बोला मैम इस बार देखो सर्दी कम पड़ रही है तो फसल खराब हो रही है तो सर्दी कम पड़ रही है और उन बीज को लो टेम्परेचर चाहिए इसीलिए ठंड के समय ठंड भी पड़नी चाहिए चल अब देखो ये सब एनसीआरटी पढ़ लेना आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और बाइनियल में तीन एग्जाम्पल्स भी हैं याद कराती हूँ बाइनियल के एग्जाम्पल याद करा रही हूं मैं आपको ठीक है यहां लिखती हूँ बाइनियल देखो बाइनियल मेरे को जो है क्या बोलते हैं खरीदना था यार मुझको मुझको शकरकंदी खरीदनी थी शुगर बीट ठीक है तो मैं शकरकंदी खरीदने कैब से गई यानी कैबेज और कैब में कार चलती है यानी कैरेट तो मैं कैब से गई कैब में कार चलती है शकरकंदी खरीदने तो ध्यान रखना ये तीनों बाइनियल हैं आर्टिफिशियल लो टेम्परेचर देके एनुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये तीनों हैं जिनकी विंटर वराइटी को स्प्रिंग वेराइटी में चेंज कर सकते शुगर केन नहीं शुगर बीट शुगर केन गन्ना है शुगर बीट। शुगर बीट केन दे, दे देंगे तो गलत हो जाएगा ठीक है आ आ जाओ अब लास्ट टॉपिक पर आ जाते हैं सीड अपनी एनसीआर फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे निकालो सब फटाफट पड़ से एनसीआरटी क्विकली और तब तक एक बार इसको देखो भी अच्छे से बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए ये सब कुछ स्टूडेंट्स चेक करिए एक बार फटाफट से क्विकली एवरी वन चलो करें देखिए इसे आइए सीड डॉर्मेंसी में कुछ बड़ा मजेदार पढ़ेंगे ये ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट्स की इस चैप्टर के आखिरी तक आते आते तो स्टूडेंट्स छोड़ ही देते हैं और 2021 में इस पे से डायरेक्ट क्वेश्चन आए सीधा सीधा देखो समझो हम हमेशा क्या बोलते हैं कि बीज कब सोता है डॉर्मेंसी में कब जाता है जब बाहर की परिस्थिति एक्सटर्नल कंडीशन अनफेवरेबल है पर यहां मैं क्या बोल रही हूं कि कुछ सीड नहीं जर्मिनेट कर रही यानी डॉर्मेंसी में जा रही है इवन इवन जब बाहर की कंडीशन फेवरेबल है भाई ऐसा क्यों कर रही है आलसी क्यों बन रही है आइए समझते हैं माफ करा समझो इसका मतलब यह है कि केवल एनवायरमेंटल कंडीशन ही कंट्रोल नहीं करता कुछ अंदरूनी भी है जो डिसाइड करता है सीड डॉर्मिनसी में जाएगी या जर्मिनेट एंडोजीनस कंट्रोल भी है देखो तीन कंडीशन है तीन कंडीशन जिसके कारण बीज हो सकता है जर्मिनेट ना करे कंडीशन नंबर वन हो सकता है सीड कोट जो है टेस्टा टेगमेंट बड़ा हार्ड या हो सकता है एम्ब्रियो भी मेच्योर ही नहीं हुआ अगर मेच्योर ही नहीं होगा तो फिर जर्मिनेशन करने का क्या फायदा ठीक है या कोई ऐसे केमिकल्स निकल रहे हो जो सीड को जर्मिनेट होने से रोक रहे हो जैसे एप्सिसिक एसिड निकल रहा है मान लो वो भी कारण हो सकता है तो तीन कारण हो सकते हैं क्या क्या, क्या कारण पहला इम या हार्ड सीड कोटो दूसरा अभी एम्ब्रियो मेच्योर ही नहीं हुआ और तीसरा केमिकल्स केमिकल्सो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट एप्सिसिक एसिड तो अपन जानते ही है अभी अभी हॉरम पढ़ा है जो हम नहीं जानते फिनोलिक एसिड एंड पैरा एसिड दो तीन बार पढ़ोगे याद हो जाएगा ठीक है डन अब हम इसका तोड़ क्या निकाले देखो इसका तो कोई तोड़ नहीं है अपन घुस के एम्ब्रियो को मैच्योर नहीं कर सकते हैं यहां तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको वेट करना पड़ेगा पर इन दो का तोड़ हम निकाल सकते हैं आइए इसका तोड़ निकालते हैं पहले देखो अगर इनिबिट्री सब्सटेंस है तो हम इसको रिमूव करेंगे इस अफेक्ट को कैसे रिमूव करेंगे आपको पता है एप्सिस एसिड का उल्टा कौन है जिब्रिलिक एसिड जैसे जर्मिनेशन जैसे जिब्रेलिक एसिड तो जिब्रिलिक एसिड दे दो या जो हमें नहीं पता नाइट्रेट्स या हमने कहा ना अभी अभी चिलिंग कंडीशन बहुत ठंड भी कई बीज को जर्मिनेट करवाती है तो इनहिबिटरी सब्सटेंस एप है एप्सिसिक एसिड फिनोलिक एसिड और पैरास्कॉर्बिक एसिड और उसका तोड़ जो हमने निकाला है वो जिब्रेलिक एसिड नाइट्रेट एंड चिलिंग कंडीशन है ठीक है नाउ हार्ड सीड कोट का क्या तोड़ है देखो क्या तोड़ है समझो हम नेचुरल तरीके से भी सीड कोट को सॉफ्ट कर सकते हैं और मैनमेड तरीके से भी मैनमेड तरीका तो ये कि उसको रगड़ दो घिस दो एबरेजन्स कर दो शेकिंग कर दो चाकू से रेती पेपर से कैसे भी करके घिस दो हम जैसे आपने देखा होगा ना छोले बहुत देर गलाने पड़ते हैं तब जाके गलते हैं क्योंकि उनका सीड कोट काफी हार्ड होता है जो चोले होते हैं लोबिया वो कम देर गलाना पड़ता है दाल और कम देर देर गलानी पड़ती है और जो धुली हुई दालें होती हैं उनको तो गला बहुत ना के बराबर गलाना पड़ता है क्योंकि सीड कोट है उसमें बिल्कुल रिमूव कर देते हैं तो हमने ये ये हमने मैन मेड करा प्राकृतिक रूप से क्या होता है ये एब्रेशन अपने आप हो जाते हैं कब जब इन्हें माइक्रोब्स खा लेंगे जब ये एक्चुअली एनिमल कोई कोई कीड़े ने खा लिया मान लो उस बीज को कोई जानवर ने बीज खाया तो जब वो जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम से होता हुआ बीज निकलेगा तो उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो जो उसकी यू नो डीकम्पोजिशन कर रहे होंगे उसमें वो सॉफ्ट हो जाता है घिस जाता है ठीक है डन चलिए सो विद दिस माई स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर की थ्योरी खत्म होती है इसमें हमने ग्रोथ पढ़ा डेवलपमेंट पढ़ा एरिदमेटिक ग्रोथ ज्योमेट्रिक ग्रोथ पढ़ी एप्सिल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ पढ़ी प्लास्टिसिटी हेट्रोफाइली पड़ी डिफ्रेंसिएशन डीडिफ्रेंसिएशन रीडिफ्रेंसिएशन को समझा फिर हमने पांचों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के केमिकल नेचर डिस्कवरी और फंक्शंस को देखा फिर हमने फोटोपीरियोडिज्म की बात की वर्नलाइजेशन की बात की और हमने सीड डॉर्मेंसी की बात की आ गए मजे चलिए आइए अब करते हैं क्वेश्चन की सॉल्विंग लेट स्टार्ट नीट ट्वेंटी दो साल से इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल छोड़ के किसी को भी नहीं जाना घबराओ मत अगर किसी को थोड़ा कम समझ आ रहा है कम याद हो रहा है दो तीन चार दिन बार 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 इन ट्रिक्स को लर्न करो बट ये ध्यान रखना कि जो ट्रिक से लर्न कर रहे हो उसी से बार बार रिवाइज करो प्लांट हॉर्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स ये तो मोना मोना की दुश्मनी थी डाइकऑट वीड पर ये तो सारे ऑक्सीजन दे रखें ये तो सारे ऑक्सीजन दे रखें ये नेचुरल ऑक्सीजन है ये वाले आर्टिफिशियल ऑक्सिन है यहां एनसीईआरटी पढ़ी हुई होनी चाहिए 24D बहुत बढ़िया चल 2021 प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पांस टू एनवायरनमेंट और फेज ऑफ लाइफ क्या बोलते हैं इसको माय डियर स्टूडेंट सीधा-सीधा क्वेश्चन है प्लास्टिसिटी नेक्स्ट 2020 इनिबिटरी सब्सटेंसेस इन अ डोरमेंट सीड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सब्जेक्टिंग सीड टू कैन नॉट बी रिमूव्ड यानी फॉल्स पता करना है इससे इससे और इससे तो रिमूव होता है इससे रिमूव नहीं होगा ये तो इनिबिटरी सब्सटेंस है सब्सटेंस है इससे तो डोरमेंसी होगी डन देखो कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं अपन देख सकते हैं 2020 में एक और क्वेश्चन डायरेक्ट राइपनिंग कौन करवाता है इथिलीन पर इथिलीन तो दिया नहीं है कोई बात नहीं इथे तो दिया है ये आंसर नहीं होगा हर भी साइड कौन है मोना मोना मारती रहती है सबको टू फोर डी ये लो आंसर आ गया चेक करते हैं बोल्टिंग एसिड एसिड करता है और स्ट्रेस कितना आसान है लग रहा है आसान आ रहा है ना सबको याद पांचों की ट्रिक्स एक साथ लिख लेना एक साथ याद करना उन्हें 2020 में एक और क्वेश्चन बट बिकम ट्रबल हम जाते हैं है? हमने पढ़ा है एक और नया ब्यूटिफुल फ्लावर्स इन शेप ऑफ लीव्स के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी पर खतरनाक हो गई थी नाउ 2020 ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनिबिटरी सब्सटेंस देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया उल्टा कर दिया मैं दोबारा दिखाती हूं देख लो अच्छे से देखो 2020 में दो क्वेश्चन आ गए एक इनिबिटरी सब्सटेंस कौन सा नहीं है ये दिया जो हमने अभी अभी, अभी देखा नहीं सॉरी एक दिया कि इनिबिटरी सब्सटेंस कौन सा है वो पूछा है और एक पे पूछ रहे हैं उसी साल सेम साल कि इनिबिटरी सब्सटेंस कौन सा नहीं है एप तो है ये नहीं है नाइट्रेट जिब्रेलिक एसिड और चिलिंग कंडीशन अगर ये टॉपिक छोड़ा था तो सीधे दो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन गलत हो गए छूट गए चलो 2020 में एक और क्वेश्चन प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 इंक्रीजिंग दील्ड ऑफ शुगर के उसकी लंबाई बढ़ाना बोल्टिंग बोल्टिंग कौन करता है कितना आसान है आ रहे हैं मजे आ रहे हैं देखो तीन तीन चार चार क्वेश्चन आ रहे हैं एक ही साल में न दो हजार उन्नीस अगर शूट टिप रिमूव कर दोगे तो टी लीव के लिए बड़ा अच्छा रहता है क्यूं? क्यों क्योंकि ऑक्सीजन के अपाइकल डोमिनेस को हटाएंगे अफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इज रिमूव एंड ग्रोथ ऑफ लेटर बर्ड इज इन आ रहा है सबको क्लियर हो रहा है मोना दादागिरी करती थी चलो 2019 में देखो फिर आ गया कि अगर शुगर केन की यील्ड बढ़ानी है तो क्या करोगे बोल्टिंग कराएंगे जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करेंगे कितना इजी है माय डियर स्टूडेंट्स देखो 2019 में सेम ये ऑक्सिन ये वो वाला दे दिया ऑक्सिन साइटोकाइन पर और ये ये दे दिया जिब्रेलिक नाउ नेक्स्ट 2019 Pineapple में बोल रहे हैं बहुत लंबा समय लगता है फ्लावर के लिए तो पाइन में फ्लावरिंग कौन करवा देगा भाई में में फ्लावरिंग दो करवाते हैं एक एक तो करवाता है है और याद मैंने कहा था लास्ट में पढ़ाया है तो पाइन में फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेट सिंक्रोनाइजेशन मैंगो में फ्लावरिंग और खीरे कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर बनवाना फ्रूट बनवाना उसकी जील्ड बढ़वाना दो हार्मोन्स का मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया Now, 2017 फ्रूट और लीफ का ड्रॉप अर्ली स्टेज पे रोकना है अर्ली स्टेज पे रोकना है बाद में तो गिरवाएंगे ऑक्सिन का काम कैन बी प्रिवेंटेड बाय नाउ नेक्स्ट 2021 बताओ पेड़ों में लाइट कौन परसीव करता है जहां फाइटोक्रोम है यानी पत्ती ये रहा वो क्वेश्चन जो मैंने कहा था पीवाईक्यू है नाउ नेक्स्ट 2019 व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ ये देखो फिर से वही आ गया एक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है एक्सैक्ट सेम क्वेश्चन प्लांट हॉर्मोन इज गैशियस इथिलीन की बात कर रहे हैं इथिलीन हमने लास्ट में लिखा है डायकोडसीड ये तो ऑक्सीजन टू फोर डी मोना मारती थी सबको दादागिरी करती थी माल्टिंग प्रोसेस ये तो गुड स्टूडेंट मालती यानी जर्मिनेशन यानी जिब्रलिक एसिड करेगा रूट हेयर ये सब कौन करता है साइड की ग्रोथ साइटो करवाता था लेटरल शूट लेटरल रूट सारी हेल्प ओवरकम वन सेकेंड नहीं 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 उल्टा उल्टा सॉरी 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 हेल्प ओवरकम डोमिनेंस ये साइटो करवाएगा ना ये साइटों का उल्टा है सो so, ये साइटों करवाएगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया सो इथलिन में हमने लास्ट में डीप वाटर राइस प्लांट का पढ़ लिया था पाइनएप्पल मैंगो कुकुम्बर का पढ़ा था और वही मैंने कहा था रूट हेयर भी ये ग्रोथ करवाएगा चलिए नाउ नेक्स्ट 2022 प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर की यील्ड बढ़ गई है फीमेल फ्लावर्स बनवा रहा है ये सब इथिलीन करवाता है हम जानते हैं अब भी तो अपन ने पढ़ा है ये सब इसीलिए तो इथिलीन आखिरी में पढ़ाया है जिसमें ढेर सारे उसी सीरियल ऑर्डर में आप भी लर्न करना तो माइंड में क्लियर होता है 2022 में देखो किसमें प्लास्टिसिटी नहीं शो होगी इसमें होगी इसमें होगी इसमें होगी इस हो ये नहीं पढ़ा इसमें इंटरनल वाली थी इसमें भी इंटरनल वाली थी लाक्स पर में भी इंटरनल वाली थी और इसमें एनवायरमेंटल एक्सटर्नल वाली थी कितने इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स डायरेक्ट डायरेक्ट सो विद दिस स्टूडेंट्स आज की क्लास अपनी खत्म होती है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आप लोगों ने बहुत अच्छे से बिहेव किया वेरी वेरी नाइस अब हमारी मंडे को यानी टेंथ को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्लास होगी इसी चैनल पर देन ट्यूजडे को ग्यारह को प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस ये सब कोई मिस मत करना एंड मॉलिक्यूलर बेसिस की क्लास तेरह तारीख को होगी यानी थर्सडे को पॉडकास्ट सीरीज आप देख सकते हो पीडब्ल्यू यकीन ड्रॉपर बैक चैनल पे और महारिविजन में मैं महारिविजन यानी कंपटीशन वाला जो चैनल है कंपटीशन वाला उस पे माई स्टूडेंट्स मैं ट्यूसडे uh, और थर्सडे को लोकोमोशन और बायोमोलिक्यूल्स क्वेश्चन के थ्रू स्टेटमेंट वाइज असर्शन रीजन के थ्रू रिवाइज करवाने वाली हूं अगर कोई इंटरेस्टेड हो एक डेढ़ घंटे की क्लास होगी ज्वाइन कर सकते हो अगर इंटरेस्टेड है तभी करना और सैटरडे या संडे को सैटरडे या संडे को इसी चैनल पर रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगा स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म उस चैप्टर को लाइटली मत लेना उसको सॉल्व करना पढ़ना है ये सब लाइव क्लासेस है ठीक है और अब आपका जवाब जो आप लोग इतना टाइम से पूछ रहे हैं सुबह से बवाल मचा हुआ है सारे न्यूज पे यूट्यूब पे स्टूडेंट्स के टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मैसेजेस का बवाल मच रहा है कि नीट में इस साल रिकॉर्ड तोड़ एप्लीकेंट्स गए हैं 21 वन लाख एप्लीकेशन आई हैं, 21 लाख तो क्या मैम कट ऑफ हाई जाएगा क्या कंपटीशन बढ़ जाएगा हमें डर लग रहा है हम क्या करें देखो समझो दो बातें हैं यहां पर जो मैं कहूंगी बात नंबर एक कि भले ही नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ रहे हैं, पर सीरियस जो होते हैं वो वही डेढ़ से दो लाख के बीच होते हैं एक्चुअली कॉम्पिटिशन होता है नंबर टू हर साल एप्लीकेंट्स बढ़ रहे हैं पहले 16 लाख थे 17 लाख हुए 18 लाख हुए 19 लाख हुए 21 लाख हुए पर आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा कट ऑफ में डिफरेंस नहीं जा रहा और थर्ड बात जो सबसे जरूरी है डियर स्टूडेंट्स इन चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है आप दूसरे को थोड़ी ना पढ़ाई कम करवा सकते हो आपको अपनी प्रिपरेशन पूरी रखनी है अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी होगी तो आप 16 लाख में भी सिलेक्ट हो गए आप 17 लाख में भी सिलेक्ट हो गए आप 21 लाख में भी सिलेक्ट हो गए जिन चीजों पर हमारा बस नहीं है उनकी प्लीज टेंशन मत लीजिए फिर आप क्या करोगे फिर आप सोचना शुरू कर दोगे फिर समय की बर्बादी शुरू कर दोगे अरे ये सब हमारे हाथ में है ही नहीं जितनों को बैठना है बैठे अपने को क्या करना अपने को तो अपने पूरा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ के जाना है अपने आप कट ऑफ के ऊपर नंबर आएंगे अपने आप सिलेक्शन होगा तो मेरा कोई भी स्टूडेंट अब से कोई वीडियो कुछ भी देख के फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेगा कोई डिस्कशंस नहीं करेगा अननेसेसरी बिना बात के बस अपनी स्ट्रैटेजिकली प्लान वे में पढ़ाई करते रहो और नीट बिल्कुल निकलेगा आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं आपको लिख के दे रही हूं ठीक है बस आपको अपने साथ ईमानदार रहना है और पढ़ते जाना है Thank you and God bless you.